वालेकुम नाज़रीन। अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट थी गए, वैसे पता ही नहीं चला। मोबाइल हाथ में छुए तो वाल बिल्कुल नहीं पता चल रहा। ठीक ठाक हो, खैरियत है? वैसे मैं अगर गाल करा, कोई भी नशा होए नाज़रीन तो वो अच्छा कह नहीं। वैसे जिवें कि सिगरेट का नशा है, शराब का है, अफ्यूम का है, गुटका होंगे थी और पान का है, वैसे भी बहुत सारे नशे हैं। लेकिन है एक नशा जो कि कैसा नशा समझते नहीं पे, पूछो केड़ा है जी? बिल्कुल सेल फोन का नशा है पिया, जिनको ऐसा नशा समझते ही नहीं और इतने एडिक्टेड और इतने आदि थी गए हैं। मैं समेत मैंने इस प्रोग्राम स्टार्ट थे और मैं को वलवल आखा, मैंने क्यों क्यों आयशा, और मैं लगी पई हाँ मैसेज चेक थी, पर बिल्कुल पता ही नहीं चला, अंदाजा ही नहीं थी मेरे को। तो जनाब आज क्यों ना कुछ हींद हवनल गाल कर घिनो, कोई सेल फोन दे हवनल ही गाल कर घिनने हैं। मैं दिया कोई जगह ऐसी नहीं जिथे अस यूज़ ना करें दे हो सेल फोन, काम की जगह होवे, घर होवे, टॉयलेट होवे, इन अलावा दफ्तर होवे, गली बैठे हैं, बाइक चलेंदे पे हैं, स्कूल होवे, कॉलेज होवे, यूनिवर्सिटी होवे, खेल का मैदान होवे, पार्क होवे, कितने भी ऐसे टूरन फिरन गए वधे हैं, इंजॉय करन गए वधे हैं, तफरीह करन गए वधे हैं, लेकिन सेल फोन के बगैर हर चीज़ अधूरी है। यानी कि इतने आदि थी गए ऐसा लोग कि असा जड़े अपने खुशी के लम्हात होने जो कि अपने फैमिली नाल गुजारने होने असा इन्हें गुजरें दे पे होने है ना। अच्छा ये बारे एक रिसर्च भी है, मैं वो भी शेयर करे सो नाज़रीन नाल कि मोबाइल फोन का आदि जरा ज़्यादा इस्तेमाल है पिया वो तो सेहत वास्ते भी नुकसानदाह है पिया। यानी कि बरतानी एक तहकीक है उन्होंने की है और जो मुहक्कीकीन हैं उन्होंने आखण है कि जो लोग मतलब 14 घंटे को भी ज़्यादा सेल फोन का इस्तेमाल करें यानी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थी सकते हैं थी, जिसे शुगर का मर्ज है, अमराज़े कल्ब है पिया, मोटापा है पिया, ब्लड प्रेशर का मर्ज है पिया, यानी तमाम मर्ज उन्हों को लाहक थी सकते थे। और वही गाल है कि तुस फिट नहीं रहते, तुस बहु ही सुस्त थी वेंदे हो और घर बैठे तुस तफरीह के मौके जिम्मे लाभ घिनते हो, मूवीज़ देख घिनते हो, गेम्स खेल घिनते हो, तुस एक्टिव नहीं रहते। जब एक्टिव ना हो सो तो यकीन तुस फिट भी कह ना हो सो। अच्छा वैसे फायदे तो फायदे हैं, ये तो मैं मने नहीं हाँ। टेक्नोलॉजी आई और पहले एक सादा जहाँ मोबाइल आया, पहले तो आया लेट, पहले तो मैं अक्सर आया लेट और जब आया तो सिर्फ कहीं वडेरे को घर में होता है या अब्बा को होता है या जोड़े मखसूस घर के वडेरे होने उन्हों को भी फोन होता है उन्हों वही रबता करेने हैं। और वैसे फायदा भी है जनाब जी, रिश्तेदार गाल थी वेंदी है वो अपने प्यारे नाल गाल कर घिन दिया जो मुल्क को बहर हैं, शहर को बहर हैं, फायदे तो फायदे हैं वाकई। वल सेल फोन आ गया वल भी फायदे ही फायदे हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए और ये मैं आधियाँ आपस में रबता दुनिया समेट के रह गई और बिजनेस बहुत फायदे थे और बहुत सारी चीज़ा यकीन डिस्कस करे उस, लेकिन वाल ज़्यादा इस्तेमाल करना वाल ऐसा भूल गए कि असल में आया क्यों है, इतना इस्तेमाल क्यों है, इन तक गाल करे सो। और मेरे नाल कुछ गेस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, जो कि बेहतर तरीके नाल दस सकते थे कि इस सेल फोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने नाल क्या क्या नुकसान थीन थे। जनाब डॉक्टर अनीस खान हैं जड़े के बहुत मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं, मुल्तान दे नई जिंदगी हस्पताल नाल इन्हों का ताल्लुक है, साइकेट्रिस्ट हैं, ऐसे इन्हों को वेलकम आखसो। गुड मॉर्निंग जी आया को, थैंक यू जनाब, शुक्रिया तुम्हारा तशरीफ घेन के टाइम दिता सबको। और इन्हों के नाल हैं काउंसलर हैं जो कि अक्सर औकात सारे प्रोग्राम आते भी रहने थे, काउंसलिंग करने थे, एच एम ताहिर हैं, गुड मॉर्निंग जी आया को और खुश आमदीद। जहीन फतीम एनक लेनन और माशाल्लाह लगते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट बंदा और वाकई हिन भी पे इन्हें कोई डाउट कह नहीं, शक कह नहीं। थैंक यू जनाब जो तशरीफ घेना है। और इन्हें नाल ही असा थोड़ा आदि ना चेंज भी होना चाहिए थे, वैसे तो बहुत सारे गाल ही करे सा, मैं हमेशा आदि मैं एडवाइस तू हमेशा जी नसीहत है ना उतो थोड़ा अवॉइड करनी हाँ कि भाई नसीहत नहीं करना, असा तक एक चीज़ दे एक चीज़ का अच्छा रुख भी दिखावने थे, एक बुरा रुख भी दिखावने थे, एक थोड़ा डिसीजन है, फैसला तुसा कर रहे कि तुसा केड़े पासे वड़ने थिया, मैं नहीं दस रहा कि तुसा कित्था वड़ने थिया। और ही गालों थोड़ा चेंज दे वास्ते थोड़ा म्यूजिक भी रखे थिया, फवाद हुसैन हैं सन जो कि सिंगर हैं और अवार्ड याफ्ता सिंगर हैं पे सुन सो इनको गुड मॉर्निंग आकसु जी आया को आकसु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। अच्छा जी मज़ा भी लगन वाला है, थोड़ा इनते भी आसूँ वाले ही ना हो कि लोगों को लगे कि सारे एडवाइस ही करेंदे पे नसीहत आयशा थपें कोई शह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं थोपने। अच्छा डॉक्टर साहब तो वाले आसा कि जिम्मे अस आते हैं मोबाइल फोन जो है
ज़रूरत भान चुके थिया, वक्त ही कुछ ऐसा आ गया थिया कि सारी ज़रूरत भान गई थिया, यानी कि जरूरत की गल जल करें तो छोटे वालों की भी जरूरत है, 11 साल 12 साल 14 साल असरे टीन एजर बच्चों की भी जरूरत भान गई थिया, क्या वाकई जरूरत है, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए, ये जो मोबाइल फ़ोन है और स्मार्टफोन है, ये हमारी जो मॉडर्न लाइफ है इसका एक लाजमी जुज़ है और इसके बगैर अब मेरा नहीं ख्याल के गुजारा है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 12 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और उसमें से मेरे ख्याल में 70-80% जो है ना वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। और स्मार्टफोन जो है ना, क्योंकि इसकी कीमत बड़ी तेज़ी से गिरी है और ये 50-60 हज़ार से गिर के 18-19 हज़ार तक आ गया, तो तकरीबन हर शख्स जो है ना वो स्मार्टफोन घट आ गए थे। मेरे ख्याल 5,000-8,000 हूँ, इन भी बहुत सारे कंपनीज ने 3,000 बिल्कुल मिल वेंदे थे, यानी कि पहले सोचे से सादा जो मोबाइल है वो सबको लगता है कि महंगा है, अगर वो 4,000-5,000 हो सबको लगता है बड़ी ज़्यादा है, सारी पहुँच के करीब कह रहे, लेकिन हम स्मार्टफोन सबको इतने रेट में मिलने लगे तो वाता ये ज़्यादा असर मतलब नज़दीक थी गई ना, रसाई मुमकिन थी गई जी, दस भाई इसी वजह से ना लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब डेफिनेटली इसका अपना फ़ायदा भी है, लोग इससे मुस्तवीद होते हैं, इससे लोगों को पता चलता है, बल्कि जो आजकल टीचर्स एडवाइस करते हैं कि आप जाएं और फौरी तौर पे जाके नेविगेट करें और अपनी चीज़ें जो आपको नहीं है मालूम वो उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होती है और स्पेशली जो बच्चों में इस्तेमाल होती है, टीनेजर्स में इस्तेमाल होती है, उसमें फिर ये कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसको ना एक तरह से इसको एडिक्शन के ज़ुमरे में लेके आते हैं। देखें, हार्डली हम इसको अभी तक हमने गैम्बलिंग की तरह इसको हमने बाकायदा इसको एक बीमारी करार नहीं दिया है कि ये वाकई एडिक्शन है, लेकिन हम सोच रहे हैं और जो रिसर्च है उसके मुताबिक लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी नींद उड़ जाती है, उसमें उनकी इरिटेबिलिटी पैदा होती है और उससे उनका काम सफ़र होता है, जॉब सफ़र होता है, उससे हादसात रुनुमा होते हैं, उससे उनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से उनकी आँखों में इचिंग शुरू हो जाती है, उनकी नज़र धुंधलाने लगती है और उनकी गर्दन स्टिफ़ हो जाती है और इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। और बाकी ये है कि क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली मोटापा, जंक फूड खाते हैं साथ के अंदर और बाकी क्रिमिनल बिहेवियर है वो इससे जो है ना ठीक है। डॉक्टर साहब, स्टेप बाय स्टेप ऐसा है कि चीज़ को फोकस करे सो, अगर ऐसा नुकसान की गल करें पे हैं तो सेहत के हवाले भी गल करे सो कि क्या क्या सेहत को सारे नुकसान थी पे, वे अगर ऐसा सोशल गल करें हैं तो क्या नुकसान है पे दे। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करते हैं ना कि स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन पर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है एंड वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग टू सोशलाइज आवर सेल्फ। हम 500-700-1,000 लोगों से कनेक्ट होते हैं जी, फेसबुक के ऊपर तो मेरे पास 100 फ्रेंड्स हैं या 200 फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरी गली में मुझे दो शख्स भी नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ कि हम जिस तरीके से सोशलाइज अपने आप को करना चाह रहे हैं वो बेसिकली सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। हम किसी की ज़िंदगी, किसी के बारे में कॉमेंट्स कर रहे होते हैं, किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी के किसी भी बिहेवियर पर हम हंस रहे होते हैं और इसको हम जी हाँ बिल्कुल क्या हुआ कि इसको हम बेसिकली कहते हैं साइबर बुलिंग। सही, हम बुली कर रहे होते हैं लोगों को, तंग कर रहे होते हैं, ये भी नहीं पता होता है कि कौन कर रहा है मेरे साथ ये सब। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं या हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो ख़त्म होता चला गया कि मुझे घर पे बैठना है, मेरे वाले साहब ने अगर मुझे डांट दिया तो मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, मेरे भाई के साथ अगर मेरा कोई आर्ग्यूमेंट है तो मैंने बात कैसे करनी है, मेरी सिस्टर के साथ मेरी अगर कोई बात है या मैंने उससे कोई बात करनी है तो किस तरीके से करनी है, हमारे ये जो ये करीब करीब के रिलेशन थे ये भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। हमारे ये बर्ताव के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर जब ये आई ना बात, तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो कनेक्टिविटी है नियरेस्ट रिलेशनशिप्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते चले गए। हम कभी एक वक्त होता था कि शाम के खाने पे जब टेबल पे बैठते थे, खाने की टेबल पे, तो सब लोग अपने पूरे दिन का ना बता रहे होते थे। अब तो हमें अपने बहन भाइयों के बारे में भी स्टेटस से पता चलता है, वो स्टेटस शेयरिंग करते हैं कि जी हमने आज ये किया और ऐसे किया, तो शाम में उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। होता बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान है। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी थी किसी से कि जहर क्या है, उसने कहा हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो जहर है। अब मोबाइल फ़ोन है या टेलीफोन है या कोई भी और चीज़ है, अगर इवन पानी भी मैं ज़रूरत से ज़्यादा पीना शुरू कर दूंगा वो भी मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना मैं ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर दूंगा, मैं इवन कोई भी बहुत अच्छी मुरगन गज़ा जिसको मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कि जो बहुत हेल्दी डाइट है,
उसको भी मैं जरूरत से ज्यादा अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा वो भी मेरे लिए जहर बन सकती है। तो वजह क्या है कि हम जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसका एक मैक्सिमम लेवल होना चाहिए। अच्छा। तय कर लेंगे हमारे बिहेवियर्स के ऊपर उसका डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ठीक है, गाल भी करे सो बिहेवियर दे होना, लेकिन एक गाल मैं करे सा असा क्या मोबाइल फोन दे जरिए दोस्त मतलब हेंदे वदे हैं, क्या असा तन्हाई दा शिकार हैं? इतने सारे इर्द गिर्द प्यारे होने के बावजूद भी असा ये समझते हैं कि असा कल्ले हैं। ये हम गाल करे सो डॉक्टर अनीस इन गाल को तो सही अगू करे सो कह रही, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजीन, खुश आमदीद आपको सवेल दे रहेंगे और फवाद बैठे सारे नाल। फवाद कुछ सुना दो साकू, कुछ समझा दो साकू। जी जी, आपको समझ नहीं आ रही थी तो कुछ सुना समझा देते हैं आपको जी, सुना के। मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लग जी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लग जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लग जी, है तू की जाने प्यार तेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू मिल तू यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे समझावा की ना तेरे बाजू
तेरे बाजो लगदा जी। जबरदस्त जबरदस्त आवाज भी कमाल दी है। और मेरा पहला इन्होंने मैं आख सकती पहली मुलाकात है इन्होंने फवाद करण स्टार्ट किया सिंगिंग कितने अरसा थी गए इतनी मैच्योर पुख्तगी जी नज़र आती है माशाल्लाह। नहीं बेसिकली तो मुझे भी याद नहीं, मैंने बचपन में ही अच्छा। यानी के शौकिया गुनगुनाता रहता था यानी रोंदे भी में स्टाइल विच आवे। हाँ जी कहते हैं क्लासिकल जो होता है थोड़ा सा उसे कहते हैं कि ये रो रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, असल म्यूजिक ही यही होता है क्लासिकल होता है। तो इसमें ये है कि बचपन से स्टार्ट मैंने स्टार्टअप लिया, फिर 2015 में मैंने दो चार जो है ना शोज विन किए तो वहाँ से मुझे बूस्ट मिला थोड़ा सा। स्टार्ट जो है तो साथ है कि बचपन तो कोई एज लिमिट भी है बचपन दे रखन जिको अधन मिड एज थी गई क्या मतलब वैसे यंग तो चार पांच साल से ही अच्छा। अक्सर उस टाइम होता था एसटीएन लगता था हमारे हाँ। दौर में ना तो वहाँ एक शो आता था मोस्ट वांटेड अच्छा। तो वो डेली एक से डेढ़ घंटे का शो होता था तो वो डेली मैंने वेट करना जल्दी जल्दी ट्यूशन से पढ़ के आ जाना कि भाई मेरा मैंने शो देखना है। तो उसमें जो है ना वो पाकिस्तानी हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे उनके गाने आते थे तो सुनना और फिर उनको याद करना और इस तरह से यानी ये स्टार्ट हुआ। फिर 2015 में आके जो है ना वो मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पे जो है ना स्टेज पे आया तो वहाँ से विन किया तो वहाँ से बूस्ट मिला बेसिकली मुझे। फिर मैंने क्लासिकल ज्वाइन किया तो एक डेढ़ एक साल तकरीबन सीखा उसे फिर मैं। और अब बस जितना को क्यों लगा कि क्लासिकल ते वर्क करना चाहिए था क्योंकि अक्सर यंग जड़े हैं क्लासिकल वाले पास ते वेंदे नहीं ना होता ज़्यादातर पॉप रॉक इन तरह के सॉन्ग ज्यादा गाने थे और उनको इजी भी लगते थे क्योंकि म्यूजिक के दब बिंदी है हर चीज पता हाँ नहीं चलता ना क्या चलता पे थे नहीं हाँ। वो उसका बेसिकल ये है कि मैं जो है ना शुरू से मेहदी हसन साहब नुसरत फतेह अली खान साहब राहत फतेह अली खान साहब जिन्हें उस्ताद मानता हूँ मैं अपना तो मैंने सुना इन लोगों को है तो इस वजह से मेरी ग्रूमिंग भी इसी जॉनरा में हुई है सही ये वजह ठीक है। अच्छा चलते हैं और आज का जो मौजू है उसको भी पकड़ेने हैं मोबाइल भी पकड़ेने हैं इन्हें आ सकते हैं ना मोबाइल पकड़ेने हैं आज। अच्छा मैं गाल करने पर हम के अक्सर ये थी कि असा तन्हाई का शिकार अपने आप को समझते हैं ये समझन लग गए हैं डॉक्टर अनीस तू सही गाल को पकड़े सो और इनकी क्या वजह है सर इस साइकिल क्यों बन गई है कैसा समझते हैं तनहा है दुनिया कोई सारा दोस्त कह नहीं और जो मोबाइल फोन है या सेल फोन है यो ही मेरा सब को अच्छा दोस्त है इन्हीं के वजह है तो सर कितने लोगों में बैठे हो सेल फोन चेसो और निकलन दी करे सो बैठे हो तुसा और टिक टिक टक टक लगे बैठे तो आपको कोई परवाह कह नहीं था कौन बैठे उतो कौन बैठे के गाल करता कोई तवज्जो ही कहने कहीं गालते इन्हीं क्या वजह है। देखिए उसमें जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली उनका तो वे ऑफ लाइफ है ये कि उनका स्टाइल है कि वो स्नैपचैट करते हैं और हर चीज़ जो है ना वो शेयर करते हैं। टीनएजर्स में ये एक लाइफ स्टाइल है। एडल्ट एज में जब वो बंदा जाता है तो वो अपने आप को ना प्रोजेक्ट करता है। मेरा ख्याल ये है कि जैसे उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो जिस बंदे की ज़्यादा सुकड़ी हुई होती है तो वो ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको अपनी जो जिस गुब्बारे में से हवा निकल चुकी होती है उसमें हवा भरता है और अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है ना वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ सेल्फियाँ बना रहे होते हैं या बता रहे होते हैं लोगों को कि मेरे पास गाड़ी है जी बड़ी गाड़ी है या होटल से निकल रहे होते हैं तो फौरी तौर पे जी हम इस होटल में बैठे हैं या स्टे किया हुआ है थकान से जी स्टेटस कॉन्शियस थी गए हैं या चाहते हैं कि लोग देखें सारी जिंदगी कीवें है या ऐसा चाहने सेलिब्रिटी बनना ये फोबिया तो नहीं पै गया ना जी बिल्कुल। या कोई जैसे कोई गुजर रहा है तो उसे कहेंगे कि आप हमारे साथ सेल्फी बनवा लें फिर उसको प्रोजेक्ट करेंगे कि हमारे इससे ताल्लुक वास्ता है हाँ। तो ये सारा जो है ना जो आपकी जो अना अंदर से गायब है आपकी एहसास महरूमी है आपका जो इज़्ज़त नफ्स गायब है या नहीं है उसको सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं वो लो है उसको हाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली ये जो एरा है ये जो एज है ये दौर है ये तन्हाई का दौर ही है क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जहाँ पर एक बड़ा होता था उसकी बात मानी जाती थी उसका लोग कहना मानते थे वो ख़त्म हो गई है। अब ये जो सोसाइटीज़ हैं ये वर्चुअल सोसाइटीज़ हैं कि हम लोग जो है ना दूर बैठे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और सतही ताल्लुक़ रखते हैं वो गहराई ख़त्म हो गई है।
جب گہرائی ختم ہو گئی ہے اور شو بازی رہ گئی ہے اور صرف بات برائے بات رہ گئی ہے اور لائک کی لائک چل رہا ہے اور ہر بات کے جواب میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو سبحان اللہ جزاک اللہ چل رہا ہے گاڈ بلیس یو چل رہا ہے، یا جو کوئی اگر فوت بھی ہو گیا ہے تو دو لفظ لکھ کے بجائے اس کو ٹیلی فون کال کریں گے آپ بہت آپ کو افسوس ہوا جسٹ اس کو جی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک بڑے افسوس کی گل میں کرے سا پچھلے نمہار وچ ایک بندے دی ڈیتھ تھی، انہاں دے برادر بھائی ہن دی ڈیتھ تھی اور انہوں نے وہ سیلفی جڑے بھائی نال ہے لائی اور دسا کہ اتے لکھا ہوئے باقاعدہ رومن انگلش وچ کہ میرے بھائی دی ڈیتھ تھی گئی ہے اور انہاں کو اللہ جنت نصیب کرے دعا کرے سو، اور تلے پتہ کیا لکھا ہوا ہے کچھ کہیں نے تے دعا بھی منگی اللہ انہاں کو جنت نصیب کرے یا مغفرت فرماوے، کچھ نے لکھا ہے ویری نائس لائک دیا۔ ہاں ہوں یہ لائک کیا تو سو بندے تے مرن تے تسا لائک کرے تے لائک دا مطلب کیا ہے میننگ کیا ہے تھوڑا ایک ڈیفائن تھوڑا وہ ہی ضروری ہے۔ اچھا لائک کریں دے پہ پسند کریں دے پہ کہ تیرا بھائی ڈیڈ تھے چنگا تھے کچھ عجیب سچویشن نہیں سو دیکھیں وہ ایسا ہے کہ لوگوں کے لوگوں نے اتنا زیادہ ان لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ فیس بک پہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ میرے خیال ہے مشرف صاحب اس کی بڑی اچھی مثال ہیں ہمارے پرانے صدر کے، ان کے پتہ نہیں لاکھوں ان کے لوگ تھے جو ان کو فالو کرتے تھے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا بغیر دیکھے ہی لائک کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ بات برائے بات ہے، یہ اس معاشرے سے جو ہے نا وہ چیز جو ایسنس آف لائف تھا وہ غائب ہو چکا ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک جو ہے نا ایلینیشن، یہ تنہائی کا شکار ایک معاشرہ ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگر اس کی ڈیتھ کے اوپر بغیر دیکھے اس کو لائک کر دیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک بیہودہ سی بات ہے۔ لوگوں کو چاہیے انہی لوگوں سے روابط رکھیں کہ اگر اس نے ان کے جنازے پہ کہہ دیا ہے یا اس کی موت پہ لائک کر دیا اس کو نکال دیں، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کو جتنا مختصر رکھیں نان سیریس دوست ایک ہی میں آ سکتا ہے۔ اسے سمجھتے ہیں کہ جڑا سارے وچ ایڈ ہے سوشل میڈیا وچ یا فیس بک وچ وہ سارے سارے دوست ہیں، تو سنا کوئی جان دے نہیں، صرف انہاں دا دے دے ہو سٹیٹس کہن ڈاکٹر ہے انجینئر ہے فلاں ہے اوکے جی، یہ سارے مطابقت رکھیں دے سارے کام آ سکتے، کیا کام آ سکتے ان نون بندہ جنہیں کوئی جان دے نہیں واقعی کتنے کام آئے ڈاکٹر صاحب تاکو کتنے میں نہیں جی بالکل بھی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ انڈیولی آپ کو میس کرتے ہیں، آپ کو خام خواہ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بجائے اگر آپ ایک آدھا دوست ایسا رکھ لیں جس کے ساتھ آپ ویکینڈ پہ بیٹھ کے آپ فیس ٹو فیس جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے ایموشنل ایموشنز اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ صرف تصویر دیکھتے ہیں آدھی بات جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کے الفاظ کے ورڈ نہیں ہوتے بلکہ جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ جو کنوے ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اس اسٹل پکچرز میں تو صرف آپ کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پتا چلے کہ رتبہ کیا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہے یا وہ سچا ہے، یہ تو کچھ نہیں کہا سکتا۔ اور ہی رتبے دے بنا تے دو لوگوں کو دوست بنا کے ہیں۔ ناظرین اندر مزید گفتگو کرے سو چلتے ہیں چھوٹی بریک تے کتھے نوے سو سارے ناراض بیک ناظرین خوش آمدید ڈاکٹر تاکو سویل دے رنگے چور چل سو اسا طاہر والے اور طاہر کال کو اگو ساکو سمجھے سن بھی صحیح سمجھانا بھی ضروری ہے کاؤنسلنگ کرے سو نا کیا پتہ کچھ چیز اکیلا کو نہیں آتا۔ میرے ایک مینٹور تھے سر بالکل جانتے ہوں گے این ایل پی کے جو فاؤنڈر ہیں رچرڈ بینڈلر، میں نے ان سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے نیور کنوینس پیپل بٹ کیپ کنویئنگ میسیجز۔ ٹھیک ہے کیپ کنویئنگ تو کیا ہے بیسیکلی جب جب ہم موبائل فون کی بات کرتے ہیں جب جب ہم بات کرتے ہیں ان سب سوشل میڈیا کی، اور سر ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہماری سیلف اسٹیم اتنی چھوٹی ہے ہم اس کو بڑا کرنے کے لیے ہم اس طرح کے گیجٹس کو یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور شام میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے، اور اگر ہماری امید سے کم ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں کہ یار اس پہ تو لائکس ہی نہیں آئے اور لوگ مجھے لائک ہی نہیں کرتے۔ اینڈ ایون میں نے ایک خاتون سے سنا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا اسٹیٹس ایک شیئر کیا کہ جو جو لوگ میری پوسٹ کو لائک نہیں کرتے میں انہیں انفرینڈ کر رہی ہوں۔ لائک کس وجہ سے ہم نے وہ سوشل سرکل بنایا ہوا ہے؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ سوشل سرکل بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ میری پوسٹ کو لائک کریں گے، ان لوگوں کے کامنٹس آئیں گے، میری پوسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے، فالو کر رہے ہوں گے؟ بیسیکلی کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات اور اس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نا، ایک شخص گھر سے نکلتا ہے وہ کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہو تو برانڈ کے کپڑے پہنو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے برانڈ شاپ پہ شاپنگ کرتا ہے جا کے، اور کپڑے پہننے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے عزت اور ریسپیکٹ نہیں ملتی ہے، پھر کوئی شخص اس کو کہتا ہے نہیں جی آپ مہنگا فون لے لو ایک ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا فون لے لو، صحیح، وہ جا کے مہنگا فون خریدتا ہے عزت پھر نہیں ملتی ہے، پہلا بوجھ ایک اس کے اوپر آ گیا
वो उसके जहन के ऊपर एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से डिप्रेशन टाइप ऑफ सिचुएशन उसकी बन गई. नेक्स्ट क्या हुआ, उसने महंगा फोन खरीद लिया, इज्जत फिर नहीं मिली, क्योंकि किरदार की बुनियाद पर इज्जत मिलनी मोबाइल फोन की बुनियाद पर. जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बड़ा घर है, ये सारी चीजें हम समझते हैं कि इससे इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी. ठीक है, हमने क्या किया कि एक मोबाइल फोन किसी शख्स ने परचेज किया, उसके बाद उसने एक्सपेक्ट किया जी इज्जत मिलेगी, नहीं मिली, एक और बोझ पड़ गया उसके ऊपर. और फिर किसी ने कहा कि जी बड़े होटल्स में खाना खाना शुरू कर दो, जब लोग आता जाता देखेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो. लेकिन हमने अपने किरदार को नहीं बदला. हमने क्या बदला, हमने अपने कपड़े बदल लिए, हमने अपना मोबाइल फोन बदल लिया, हमने गाड़ी बदल ली, घर बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, किरदार को और तौर तरीके को नहीं बदला, सोचने के तरीके को नहीं बदला, बर्ताव के तरीके को नहीं बदला. वो नहीं बदला तो हम रिस्पेक्ट उम्मीद रख रहे हैं उन लोगों से जो बेसिकली अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर. ठीक है, एक छोटी सी बात इसमें जो हमें हमारी बेसिकली जो सोशल इंटेलिजेंस है वो सोशल मीडिया की वजह से मैं कह दूं या किसी भी और वजह से पुअर होती चली जा रही है. हर दिन हर अगले दिन के साथ साथ हमारी सोशल इंटेलिजेंस मरती जा रही है. हमें लोगों से बर्ताव कैसे करना है, किसी सड़क के ऊपर आप जाके देखें कोई छोटी सी मिस्टेक के ऊपर 500 लोग इकट्ठे हुए हुए होते हैं और अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं. सही है, एक कहीं पर छोटी गाड़ी के साथ झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया भाई, हमें नहीं पता, साको नहीं पता क्या आपस में झगड़ा है, लेकिन इमेज राष्ट्रों दे में हजूम हो दे असा अक्सर असा भी खड़े थी मैंने कि पता नहीं खैर होवे क्या मसला है लेते हैं तो छोटा मोटा. एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ दिन पहले मुल्तान में भी हुआ वो सोशल एक्सपेरिमेंट, कि एक फ्लाईओवर है ये जो कलमा चौक से आगे, उस फ्लाईओवर को तकरीबन कचहरी चौक के ऊपर एक शख्स ने ना रुका, वहां अचानक गाड़ी की ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद फौरन गाड़ी से उतरा और नीचे झांकने लगा. पीछे कोई 50 गाड़ियों की लाइन लगी, सब नीचे झांकना शुरू हो गए. लाइक लोगों के पास इतना फ्री टाइम भी है, लोगों के पास कोई काम भी नहीं है, मसरूफ भी नहीं है, और वो पता नहीं क्या चीज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ठीक. और दूसरा क्या किया कि हमने मोबाइल फोन को खुशी की वजह समझना शुरू कर दिया. एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने सोशल मीडिया पर जैसे ही स्टेटस अपडेट करते हैं ना, हम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि मेरी इस पिक्चर को फला शख्स फला शख्स फला शख्स जरूर लाइक करेगा, फॉलो करेगा. और फिर क्या हुआ कि हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी डेवलप हुई, वो क्यूरोसिटी डेवलप होके क्या किया उसने, अगर वो सब कुछ नहीं हुआ जो मेरी उम्मीद थी, उसके बाद क्या हुआ, मैं डिसअपॉइंट हुआ. डिसअपॉइंट हमें डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ ले जाएगा. दूसरा क्या हुआ, हमने चैटिंग शुरू की है, जब से हम मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे होते हैं, हम एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरे इस सवाल का जवाब ये आएगा. ठीक, वो जवाब नहीं आता उस तरह का तो क्या होता है, फिर दोबारा से हम उसी तरह की एक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं. दूसरा क्या है कि अगर वेट कर रहे हैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. हमने इस मोबाइल के जरिए, जिस मोबाइल को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करना चाहिए था, हमने उसको अपना 24 घंटे का ना एक जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से बोझ बढ़ता चला गया. मैं एक गाल करे ताहिर, ऐसा तनकीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो ऐसा आपस में सोशल सर्कल में मिलते हैं, कोई तरह ड्रेस से तनकीद करना पे, तरह वे ऑफ टॉकिंग ते करना पे, तरह रवैये ते करना पे, तुसा आग बगोला थी वेंदे, तुम बर्दाश्त नहीं करना पे. जो ऐसा सोशल मीडिया ते आने हैं या सोशल नेटवर्क की गाल में करे सा, उन्होंने सबको पता होने थी ना, ये मेरे को जान दे ना मैं को जान ना, इन्हें क्या मेरे तो तनकीद करनी है. मैं अगर अपनी पिक्चर लेंदा पियाँ या कुछ स्टेटस लिखेंदा पियाँ, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, इस तरह के लाज मेरे को बड़ा खुश करें थे, खुशी मिलती पे, उतनी खुशी मिल सकती क्योंकि उन्होंने तनकीद भी कर देनी, उन्होंने कोई गाल, क्योंकि जब आपस में मिलते हैं तो असर एक बार नाल आपस में फैमिली में इवें ही होते थे, कोई ना कोई कोई डिस्कस कर लेंगे, कोई गाल कर लेंगे. इस चीज़ को बचने की खातिर असर सोशल मीडिया से ज़्यादा क्लोज थी गए कि डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं. देखिए जो ये बात कर रहे थे ना जी, उसका लुबे लबाब ये है कि इंसान अपने आप को जाहिर करता है कि वो खुद क्या है, और दूसरा वो जाहिर करता है कि उसके पास क्या है. अब वो दौर ये आ गया है कि वो खुद क्या है, ये उसकी एसेंस क्या है, उसका पढ़ा लिखा कितना है, उसका किरदार कितना है, उसको कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके किरदार की वजह से, उसकी नेकी की वजह से, उसके हम्बलनेस की वजह से, उसकी सच्चाई की वजह से, अब वो चीज़ें गायब होती जा रही हैं. अब उसकी बजाय उसके पास क्या है लोगों को प्रूव करने के लिए, अब वो कहता है कि मेरे पास ये है, जिनके पास नहीं होता वो बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं. और ये जो हमारा मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसका डायलेमा है, उसका ये अलमिया है कि अब लोग वही काम करते हैं जिसमें कोई फ़ायदा होता है. दोस्तियाँ बनाते हैं, फ़ायदे के लिए बनाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं फ़ायदे के लिए बनाते हैं. तो ये दिखाने का और शो का
اور اس سے پھر حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا. مجھے یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ منی کین بائی ہیپینس. یہ جو ہماری ماڈرن سوسائٹی ہے اس میں کامن چیز ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور وہ آپ دولت خریدیں گے, آپ چیزیں خریدیں گے, وہ آپ کو خوشی دے گا. لیکن ڈیفینیٹلی انسان جو ہے نا, وہ جب تک کوئی دوسرا اس کو دل سے اس کو نہ بتاؤ کہ یہ میری عزت کرتا ہے, دل سے یہ نہ بتاؤ کہ یہ میرے لیے واقعی جو ہے نا جان دے سکتا ہے, باتوں سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہ سارا سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بعد, ساری فیس بکس استعمال کرنے کے بعد, سارے ٹویٹر استعمال کرنے کے بعد, سارے واٹس ایپ گروپ استعمال کرنے کے بعد, پھر الٹیمیٹلی وہ ڈیپ ڈاؤن وہ جانتا ہے کہ وہ تنہا ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی ڈپریشن چلا ویسی جی, ڈپریشن میں ڈپریشن لائک کرے یا نہ لوگ نہ کریں, جو کہ ساری امید ہے میسج کا جواب آئے نہیں آیا تو اصل ڈپریشن چلے ونا, یہ بھی ایک نقصان ہے نا. اس کو معلوم ڈپریشن جو ویسو سب کو ہر چیز بری نظر آ سی, کوئی چیز اچھی نظر ہی نہ آ سی نا. وہ اپنی جو ڈپریشن الریڈی ہے, جو ہمارا ماڈرن ہماری جو سوسائٹی ہے کیپٹلسٹ سوسائٹی, اس کا المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر تک, اپنی گاڑی تک, اپنے موبائل تک محدود ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اس ڈپریشن کو دور کرنے کی, لیکن یہ ساری چیزیں مل کر اس کا ڈپریشن دور نہیں کر رہے. یہ کیونکہ یہ ورچوئل سوسائٹیز ہیں, اس میں جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے, یہ اس میں ڈیپ ریلیشن شپ نہیں ہے. ٹھیک فواد, جے ڈپریشن اچ ہوندے یہ ٹینشن میں آ سکدے ہو, اور کیا کریندے ہو اپ لوگ, کتھا مصروف کریندے ہو, کیا ایکٹیویٹیز ہیں تہاڈے, کیا کریندے ہو؟ جی میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کام کر رہا ہوں اسے فوراً ہی چھوڑ دیتا ہوں میں. ٹھیک. اور جو ہے نا ساتھ ہی میرے گھر کے ساتھ ہی پارک ہے, تو میں چلا جاتا ہوں, دو چار چکر لگاتا ہوں, واک کرتا ہوں, پھر دو چار دوڑ کے لگاتا ہوں, سارا ڈپریشن گیا, سارا سب کچھ گیا, تھک کے آ کے سو جاتا ہوں, مزے کی نیند, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مجھے کل ایک کال آئی, بلال ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ان کی کل کال آئی, یار طاہر بھائی پچھلے کوئی 20 دن سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, نہ آپ واٹس ایپ پہ نہ فیس بک پہ, ان کا یار میں خوش رہنے کی کوشش کر رہا ہوں, لائک اف وی آر جسٹ فالوئنگ تھرو واٹس ایپ, کیا ہمیں فیس بک سے مل کے آ رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے. میں کچھ عرصہ پہلے بقرا عید جب گزری, تو بقرا عید کے بعد لوگوں نے سلاٹر کرتے ہوئے, اپنے قربانی کرتے ہوئے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی, جتنے لوگوں نے کی میں نے سب کو بلاک کر دیا ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی آپ ہمیں, واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ٹو شو؟ کیا خون دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا قربانی دکھانا چاہ رہے ہیں, کہ جی آپ نے یہ ایک فریضہ ادا کر لیا ہوا ہے تو کیا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا کس چیز کی تلاش میں ہم لوگ؟ اور اچھا یہاں پر یہ اس حد تک ہم پیچھے چلے گئے میں کہ میرے جو پرسنل لائف ہے, میں شاپنگ کہاں کرنے جاتا ہوں وہ بھی میں اسٹیٹس شیئر کروں گا, میں کھانا کہاں کھانے جا رہا ہوں, کس کے ساتھ کھانے جا رہا ہوں, یہ بھی میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں. اور میں اپنی زندگی کے اندر جو سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ ٹائم ہوتا ہے جب میرا فون آف ہو, وہ میرا زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. اور میں ابھی بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں, پہلی تو بات یہ کہ ہم جب جب موبائل فون کی طرف جاتے ہیں تو ایک موبائل فون سے نا ہماری ایک پتہ نہیں کیوں امید سی بن جاتی ہے. کسی کو ایک دفعہ ہم کال کرتے ہیں نا, تو آگے سے کسی شخص نے پک نہیں کی تو اگلے 3 گھنٹے تک ہم یہ سوچ میں رہیں گے مجھے بیک کال کرے گا, بیک کال نہ آئے تو بھی پرابلم. اچھا ضرورت سے زیادہ ہم کال کر رہے ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ایک کال کی, اس نے پک نہیں کی, دوبارہ کی, تیسری دفعہ کی, چوتھی دفعہ کی, اور اپنے آپ کو ہی پھر کوس رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے, پتہ نہیں کیا ایکسیسیو یوز آف فون. ہم ابھی بات کریں اس ایڈکشن کی, ایک وقت تھا کہ ایک پورے گاؤں کے اندر ایک فون لگا ہوا ہوتا تھا, شہر میں بھی ایک فون لگا ہوا ہوتا تھا, اس کے گھر پہ کال آتی تھی کسی دوسرے شہر سے, جی فلاں صاحب کو بلوا دیں, اور وہ صاحب اپنے گھر سے نکلتے تھے, اس گھر پر جاتے تھے اور جا کے کہتے جی آپ کی کال آئے گی 10 منٹ بعد, دوبارہ آپ کی کال آئے گی, تو وہ پوری فیملی کے اندر خوشی ہوتی تھی, اچھا جی کال آ رہی ہے, وہاں جا کے وہ بندہ 20-30 منٹ بات کرتے ہیں, 10 منٹ بات کرتے, تو ایک الگ ہی خوشی بھی علیحدہ ہے, تاکہ دوست فون آونے اور تاکہ آپ ہی سڑن آونے یا فلاں تری دوست بھجتے ہاستے اچھا فون آ گئے تھے, خوشی ہے وہ خوشی دیکھو ہوں بک گئی ہے, کیونکہ ہوں سارے رابطہ زیادہ مطلب کلوز تھی گئے, زیادہ تھی گئے رابطہ, لیکن غلط فہمیاں بھی زیادہ آ گئے. یہ والا ناظرین گال کرے سو ویلا تھی کہ چھوٹی میں بریک تھا کہ تھے نہ ویسا سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید درشکو تک سویل دے رنگے چ, اور فواد والے چل سو, فواد نال گپ شپ وی چل سی, کچھ مزید وی مزید وی جاننا چاہ سو فواد. اچھا لیکن اکو ایز اے پروفیشن جیسا مطلب سنگنگ کو گھن کے چل دے پے ہو یا مطلب ایک شوقیہ ہی چل دے پے ہو؟ میں ابھی تک تو شوقیہ ہی چل رہا ہے میرا, ہاں کیونکہ ریسنٹلی میری اب اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے, بالکل, تو اب ارادہ ہے میرا کہ اسے
प्रोफेशन हाँ जी एज ए प्रोफेशन मैं इसे चलाऊँ ठीक तो अच्छा फवादा सर रहते हैं बहुत सारे लोग आनंद थे जिन्हें आवाज़ भी अच्छी नहीं देखो सोशल मीडिया के थ्रू आनंद थे और कोई स्टाइल अजीब और गरीब स्टाइल इंट्रोड्यूस करने थे और इन थे उनके लिए तो सभी कोशिश की थी कुछ ऐसा किताब नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं तो नहीं कभी भी नहीं मुझे लोग बुलाते हैं शोज पे तो मैं नहीं जाता मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ बहुत अलहदा रहने वाला बंदा हूँ तो लोग कहते हैं सपोर्ट करते हैं मुझे तो कभी कभी मुझे जो है ना वो जुनून चढ़ता है कि यार नहीं मैंने करना है और फिर मैं जो है ना चला जाता हूँ शोज पे नहीं तो ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि मैं नहीं जाता संजीदा संजीदा तबीयत इस उम्र में संजीदा क्या वजह क्या है हम ये पोषण भर दिए थे नहीं तारी कॉल ही लोग सुन रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं एक्चुअली मैं इसी माहौल में ही रहा हूँ इस वजह से मेरा शुरू से ही है ऐसी है ठीक है संजीदा संजीदा नेचर अच्छा कुछ सुनाओ सो सुन सो सा जी जरूर जरूर जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना वो हसरा नुमानी कहीं ना वो खुशबू रूहानी कहीं कहीं दिल वाली बात भी ना वो सजरी जवानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे जग घूमे थर जैसा ना कोई जग घूमे थर जैसा ना कोई जग घूमे थर जैसा ना कोई मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू कहीं आग जैसी जलती है बड़े बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुप किसे और अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है अपने संग रहना मेरे जज्बों में मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तो जानती है मर के भी मुझे आती है भी खानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे आता
घूमे थारे जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई। जबरदस्त क्या आखर है, मजा आ गया है ना, टेंशन दूर थी गई, टेंशन भी थी गई है ना। सवे नाल गाली दे नाल नाल अगर म्यूजिक होवे तो वाल मने सो टेंशन भी दूर थी गई। अच्छा टैलेंटेड पर्सन हो साथ में, अच्छा म्यूजिक हो तो बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा म्यूजिक होना जरूरी है। जी हां बिल्कुल ऐसा है ना। और अच्छा म्यूजिशियन भी, अच्छा सिंगर, हां बिल्कुल अच्छा सिंगर, बहुत अच्छे वोकल कॉर्ड, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वापस आओ मोबाइल वाले पास है। अच्छा जब मैं वापस आने ना मोबाइल वाले पास है, मेरे को लगता है कि मेरा अपना मोबाइल भी कोई कॉल ना आई हो। अच्छा मैं गल करते पैसे से मोबाइल के हवाले नाल और रूटीन वाइज जिमें कि सारे पैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन्ना वादा वे दिखा और जिमें कि फिजिकल जोड़ा है वह भी अच्छा कह नहीं, मैंटल भी कह नहीं, सेहत के हवाले गल करते पैसे कि करना ते आधे लोगों को प्रॉब्लम्स ज्यादा थे, बहरे थी वन थे, डोरे थी वन थे। जी बिल्कुल, अगर लंबे अरसे लें और ज्यादा तेज आवाज से तो बाकायदा वार्निंग आती है अच्छे मोबाइल्स में कि इससे ज्यादा अगर आप आवाज खोलेंगे तो वो जो आपको लॉस है हियरिंग लॉस हो जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करें ना गा वही हाल इन दे बिल्कुल, यानी ख्याल करो। और दूसरी गल है जिवें कि अजकल दे जिहड़े स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म हैं रात को लेट नाइट इस्तेमाल करते हैं, बेड टाइम इस्तेमाल करने के बिल्कुल जी, उसमें अगर आप लेट नाइट तक जो है ना वो लाइट आपकी ओपन रहेगी तो फिर आप में जो सोने का वक्फा है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब आप बिस्तर पे लेटेंगे तो देर से नींद आएगी बिल्कुल, क्योंकि आपका नींद के लिए आपको कम से कम डार्कनेस जरूरी है कि बिल्कुल आपका अंधेरा कर दे तो उसके बाद आपको नींद आती है, डेफिनेट है उसको बंद कर देना चाहिए। सही, लेकिन एक बात ये भी है कि अब हमने सारी बहस कर ली है तो अब मेरे ख्याल में अब ये सोचना चाहिए कि वो इंडिकेटर्स कौन से हैं कि इंसान अगर इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम कुछ इंडिकेटर जरूर हों कि वो अपने आप पे अप्लाई करे और देखे कि वो उसको वो वाकई एडिक्ट तो नहीं हो गया, कोई पूछने की गल है, एडिक्ट तो नहीं हो गया जरूर डॉक्टर साहब, वही तो सर बेहतर तरीके। मेरा ख्याल ये है कि अगर वो जब उसको इस्तेमाल करता है और इंटेंड करता है कि मैंने आप घंटा इस्तेमाल करना है, लेकिन जब वो उसको खोलता है और उसको टाइम का पता नहीं चलता और वो दो तीन घंटे गुजर जाते हैं तो फिर उसको सोचना चाहिए कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ। अगर उससे मोबाइल ले लिया जाता है और वो कहता है कि नहीं मैंने अब जो है ना दो तीन घंटे आराम से गुजारने, लेकिन जैसे ही उसको मोबाइल ले लिया जाता है फिर वो बेचैनी महसूस करता है, वो उस ख्याल महसूस गैर महफूज अपने आप को तस्वर करता है या वो ये महसूस करता है कि वो दुनिया से उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, मेरा ख्याल इसको सोचना चाहिए। अच्छा मैं तो डॉक्टर साहब बात कर रही हूं, नई जिंदगी अस्पताल नाल तेरा ताल्लुक है और तो सब बहुत सारे लोगों को जिंदगी देंदे हो, नई जिंदगी देंदे हो, तो एको जेड़े नशे दे आदि लोग आने उन को ए इना वास्ते भी कोई सोचे, इना वास्ते भी कोई बेड दा इंतजाम नहीं, देखिए मोबाइल फोन तो एडिक्टेड लोग आ सके ना, एडिक्शन खत्म करने वास्ते कोई ऐसा होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि अभी तक जो हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसमें रिसर्च तो ज़रूर हुई है, उसमें गैम्बलिंग यानी जुए को तो उन्होंने बाकायदा उसको बिहेवियरल एडिक्शंस में डाल दिया है, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है अभी तक इस पर रिसर्च ज़रूर हुई है, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये इसमें एडिक्शन की हद तक ये चला गया है, लेकिन एज ए डिजीज एंटिटी इसको नहीं लिया, मतलब अभी तक इसको उन्होंने ये कैटेगराइज नहीं किया कि वाकई ये बीमारी है, लेकिन इसके नुकसान इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि और दो तीन चार पाँच साल में जो है ना ये डेफिनेटली इसके भी जो है ना कुछ मरीज ही आसन कुछ बेड भी खत्म कर लेंगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल 100% जी, बिल्कुल 100% ऐसा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और होगा बिल्कुल, क्योंकि वो इतना उसमें खुब गए, इतना एक वो उसमें इन्वॉल्व हो गए कि अपनी स्टडी उनकी ख़राब हो गई है और उन्होंने अपनी जॉब्स को एट स्टेक लगा दिया है, इवन उनके एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं। अक्सर डॉक्टर लोगों को लगते थे डॉक्टर मैं गा कर सकता डॉक्टर रिस्क भाई सारे जो पट्टे हैं यानी पेनफुल है या वजनी थे, इतना वजन कि जिम्मे ऐसा कोई ईट चाहती हो या कोई बच्चा चाहता है, मतलब मुतवातिर इस्तेमाल करने पट्टे खिंचाओ बहुत ज़्यादा वादे थे। देखिए जब आप ऑल द टाइम सारा वक्त जो है ना मोबाइल पे सर्फ करेंगे 7 घंटे 8 घंटे, आप कुछ टाइम निकालेंगे अपने एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे ये मोहतरम फरमा रहे थे कि मैं जब डिप्रेशन फील करता हूँ, डिप्रेशन मतलब ये नहीं है कि बीमारी डिप्रेशन है, ये एक वैसे ही है कि किसी को भी नॉर्मली जो है ना किसी टाइम में किसी वक्त हो सकती है मामूली सी, जस्ट कॉमन पार्ट है, तो ये बाहर निकल जाते हैं और सैर करते हैं। अब वो लोगों को वक्त ही नहीं कि बाहर जाएँ एक्सरसाइज करें, दिस इज़ द बेस्ट वे कि सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जो है ना जो आपके पास थोड़ा बहुत जो है ना उदासी परेशानी आती है उसको दूर कर लें।
अगर वो सारा वक्त एक ही पोस्चर में बैठेंगे तो पट्ठे खराब ही होंगे और क्या होगा, जोड़ खराब होंगे और क्या होगा। तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि ये तो होगा, इसमें पट्ठों का दर्द भी होगा, जोड़ों का दर्द भी होगा, उंगलियों का दर्द भी होगा, आंखें भी खराब होंगी, जहन भी खराब होगा, नींद भी डिस्टर्ब होगी। ये तो एडिक्शन की जो ना, अच्छा कुछ लोगों को इतनी एडिक्शन है, मेरे को मेरी फ्रेंड होनेन गाल करने हन उत्ते और तले टिक 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 टिक, मैं हैरान थी हम ए मैसेजिंग की में कर घिन, मैं बिल्कुल लिठे बगैर जड़े कीबोर्ड है आख मान सकते नहीं कर सकते, मुश्किल है मुमकिन ही गया, टक 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 मैसेज गया, मैं हैरान थी नहीं हम, और मैं पूछ बैठी भाई आधी दिन से बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो लोग माशाल्लाह इतनी मतलब उनको प्रैक्टिस होती कि वो लेते लिखे लिखे बगैर का नहीं एक्सपर्टीज। हाँ तो अभी सर जो बात कर रहे थे ना, मेरे जहन में एक बार बार लतीफ़ा याद आ रहा था मुझे, एक शख्स गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे नींद बहुत आती है, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था एक एंड्रॉयड फ़ोन और उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप लाजमी नींद उड़ जाएगी तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, रात में मेरा क्योंकि रेडियो पे रात को 12 से 2 एक प्रोग्राम होता है, मैं उसमें देख रहा होता हूँ यंग चैम्स जो स्टूडेंट्स हैं या वो मेरे फेलोज हैं, जॉब करते हैं काम करते हैं, तो वो आमतौर पर रात को 2 बजे भी वो लाइव होते हैं। हाँ। और वो आ रहा है उसके ऊपर ऑनलाइन है और स्टेटस उनका आ रहा होता है, तो मैं ये सोच रहा होता अच्छा चलो मैं तो करना है काम, मेरा तो काम ड्यूटी है। ओके बेसिकली क्या है कि हमारा जो सर ने अभी कहा ना कि हमारा स्लीप जो टाइम है वो कम होता चले जाएगा, वो हमारा डायरेक्टली हेल्थ के ऊपर ठीक है। अच्छा ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्रिएशन वास्ते पूरा डीप है थिया तेरे को 24 घंटे हैं, जरूरी नहीं कि तू रात जड़ अल्लाह तआला ने तेरे को रेस्ट वास्ते देती है, रेस्ट ही करना चाहिए थिया। और अगर उलो दी माजरत चाहता तो को मिसाल बुरी लगी है तो सॉरी टू से, लेकिन इवें ही है पिया असा सुनने वडेरियां को जो जागदे वदे पे उल्लू जागदे वदे थे ये बहुत सारे लोग में ये तो अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास फोन है ही नहीं। हाँ इतने गाल करे सो मजीद और नाजिन चलते पे छोटी ब्रेक तक थे नवे सर नाराज आसान तरीका जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, आसान तरीका है वेट लॉस का। और उन्होंने कहा था जी आप अपने बॉडी वेट का 10% सिर्फ ये करके लूज कर सकते हैं, अगर कोई 100 kg पे है तो वो 10 किलो लूज कर सकता है सिर्फ जल्दी सोकर और जल्दी जागकर। और उन्होंने कहा कि जब हम लेट नाइट तक जागते हैं हमें दोबारा से भूख लगती है और वो हम बेड टाइम के ऊपर हम खा रहे होते हैं उस वक्त, बिल्कुल क्योंकि वो वाले चहल कदमी थी नहीं थी, कोई काम नहीं होता सा को सारा यो काम होते मोबाइल चाहता और बैठे हैं और उन्हें बाद खाने बैठे और पता नहीं मूवीज दे दे बैठे हैं, गेम्स खेलते बैठे और रात को बहुत सारे लोग नहीं भी जागते, मेरी तरह तो लोग जागते नहीं, मैं तो बड़े टाइम से चमड़ा नहीं बन दिया, मैं मॉर्निंग शो करना होता हाँ मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो 9:30 बिल्कुल कोई कॉल करे मैं पता होता कि आयशा ने भाई टाइमिंग है आयशा और फजर नाल अर्ली इन द मॉर्निंग असर जाग पौने हैं, तो जरूरी नहीं ये ड्यूटी हर एक को मिलवाने ताकि सवेर नाल ना हर कोई डंडे नाल उठवाने थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ चूंकि बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, हम तो मतलब अगर स्पेसिफिकली कराची की ये बड़े सिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर कोई शख्स सो जाता है ना 9 बजे, आपने जैसे कहा ना उसको देहाती और पेंडू इतनी जल्दी सो जाते हो, आप तो कैसे अजीब लोग हो ना इतनी जल्दी सो जाते हो, तो अगर हम अपना ओवरऑल देखें ना हेल्थ स्टेटस, अभी थोड़ी देर पहले हम फवाद से बात कर रहा था नहीं से, मैंने कहा हम गाड़ी के पेट्रोल टैंक में पानी और रेडिएटर में अगर पेट्रोल डालने के बाद ये सोचे ना कि गाड़ी ठीक चलेगी तो ये कभी नहीं चलेगी, हमारी चाहे जैसी मर्जी उम्मीद है। हाँ। हमने उस सिस्टम को गलत कर दिया। हाँ। तो बिल्कुल एक ह्यूमन जो है इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया ना कि रात का वक्त उसको सोने के लिए ही दिया गया, रेस्ट के लिए ही दिया गया, और इसी तरीके से हमारा जो दिन है वो वर्किंग के लिए हमें दिया गया। जो जब रात दिन में हम 11, 11:30, 12 बजे तक सुबह जाग रहे होंगे, हमारी सुबह 12 बजे होती होगी, रात हम 2 बजे सोते होंगे, तो डेफिनेटली वो डिस्टर्बेंस आएगी। और फवाद को सा हिंगलो सडे से के ननसा को गीत सुना मेरा अच्छे अच्छे जी बिल्कुल हंसे खुले ने तेरियां यादा ने हां मिल सजना फरियादाने हंस खोले ने तेरियां यादाने हा
सजना फरियाद आने मेरे दिल दा सुना थक वेड़ा दर्दा ने ठिकाना लभे आए तू न विछड़ के मिलो चन सजना सा सारा जमाना लभे आए तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभे आए तू न विछड़ के मिलो चन सजना सा सारा जमाना लभे आए तस्वीर तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं तेरी खातिर गलियां रुल गया दुनिया नो दीवाना लभे आए तू न विछड़ के मिलो चन सजना सा सारा जमाना लभे आए तस्वीर वाह जी वाह हुण लभण दी जरूरत ही नहीं सोशल मीडिया केड़ी टाइम दिगाल करदे पे सोशल मीडिया ते लाभ गिनो ताको व्हाट्सएप ते लागणो स्टेटस ते सुसन नजर आवेंदे हो अच्छा मैं भी रास्ते में नाजरीन को जरा अज का जो मेरा सूट है जो तक मेरा ड्रेस नजर आता पे इतने चिराग फैशन वाले तरफों स्पॉन्सर किया गया किमें लगता पे अच्छी लगती पे है ना इतना भी एक तस्वीर भरनी चाहिए और दस टाइम के जनाब तो यूनाइटेड मॉल विच वन के परचेज कर सकते हो थोड़ा जो शॉप है और बिल्कुल बिल्कुल न्यूज डिजाइन है तो सब परचेज कर सकते हो अगर शादी ब्याह वैसे ये मेरा खाली पार्टी वेयर है तो जरा मेरे को इधे पे हो मॉर्निंग भी सारा इवें है पार्टी टाइम ही है चलता पे तो अच्छा वाकई हूँ लभण वास्ते जरूरत ही नहीं ना कितना लभण इतने तुम सबको सोशल मीडिया से लभ भी वेंदे हर बंदा है ना डेली दी रूटीन डेली दी अपडेट थी पे हर बंदे को पता है कि बंदा क्या करेंदा पे थे मुश्किल नहीं डॉक्टर साहब तक लभना मुश्किल थे यानी टाइम दे देंगे तो सा है डॉक्टर साहब नहीं बिल्कुल जी जब आप आए हॉस्पिटल हमारा तो ओपन है और मेरे असिस्टेंट से आप नंबर ले सकते हैं लेकिन आई डाउटेड मैं इतना कोई सोशली मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूं एक्टिव कैन हिंगो डॉक्टर साहब परेशान थे अगर आयशा को मैं टाइम दे तो मैं क्या करा मैं इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं देखता जी अपनी फेसबुक सॉरी अच्छा बिल्कुल और व्हाट्सएप पे स्टेटस या चेक वो भी नहीं ओए होए मुश्किल हो गई डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल मैं परेशान हो गई मुझे बताया एक्चुअली ना वर्चुअल सोसाइटीज पे इतना बिलीव ही नहीं करता सही तो इनाम नमूदो नुमाइश और नामो निहाल सोसाइटीज़ अच्छा वैसे ज़्यादातर डॉक्टर हजरात को मैं रीठे कि वाकई वो सोशल मीडिया तो थोड़ा दूर भय दिन थे मेरे को नहीं पता कुछ क्लाइंट की वजह सवेर नाल इन्हों की प्रैक्टिस होती है इवनिंग प्रैक्टिस डबल प्रैक्टिस होती है या लोग मतलब डेली लोगों नाल इन्हों का एक मतलब आपस में रابطہ रहने ताल्लुक रहने की जरूरत नहीं फील होती है क्या वजह क्या है एक तो आपका ख्याल ये है कि आपको कोई चीज़ अगर आप पोस्ट करते हैं अपनी बड़ी गाड़ी पोस्ट करते हैं या अपना स्टेटस पोस्ट करते हैं तो आपका ख्याल होगा कि लोग आपको लाइक करते हैं एक्चुअली जो जो चीज़ है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कॉन्ट्रेरी है आयरोनिक है कि वो लोग जो है ना ये है सिनिक सोसाइटी यानी ये लोग बिलीव नहीं करते कि वाकई ऐसा होगा वो जब देखते हैं तो वो ये कहेंगे कि आपके पास कोई नाजायज़ पैसा है शायद या आप कोई किसी गलत काम में लगे हुए या ऐसे शो ऑफ करते हैं एक्चुअली वो सोचते ये हैं लेकिन अज़रा है जैसे आप कहते हैं कि जस्ट दूसरे को बात बराए बात करने के लिए कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लाइक किया लेकिन इन डेप्थ वो आपको इस सोसाइटी की नॉर्म्स के मुताबिक वो नापसंद ही कर रहे होते हैं थोड़ा जेलसी दा आंसर आ दे थोड़ा अक्सर ये चीज़ क्योंकि लाजमी गल है तो दूजे को डिग्रेड कर देते हो कि तेरे को क्या नहीं देखो मेरे को चीज़ है मैं खुशनसीब हाँ कि सारे नियमता तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ कराची के अंदर काफ़ी सारी इस पर वर्किंग हुई थी वहाँ पर जो लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज कर रहे थे तो उनको
इवन कॉल आती थी कि आप अपने आप को इतना एक्सपोज ना करें, बाद में मर्डर हो जाए, बाद में आपको भत्ते की पर्ची आ जाए, किस टाइप की सिचुएशन हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है? तो ये ये स्पेसिफिक चीजें हैं, बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं जो अंडरस्टैंड हमें करना होगी। क्राइम विच वधारा थे ई वजह से जितना सोशल मीडिया ते नेटवर्क ते अपडेट हो ता इन नाल नुकसान भी है। अच्छा एक जमाना होता जो छोटे बच्चों को सा मोबाइल फोन चलो घर ते घर बाहर विच समझदे जरूरी, हर पेरेंट समझदा पे जरूरी स्कूल बच्चे में दे असा उने नाल कनेक्टेड रहो, सारे जमाने कहना होता है अस भी पढ़ गए हैं लेकिन अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिस्क दी वजह। अच्छा इन इस सोच के बिना आते ऐसे ही देते हैं कि वो अक्सर न्यूज़ सुनने हैं मोबाइल स्नैचर या चोर जड़ा है वो आया और बच्चे का मोबाइल खिंच गया ना दिता तो गोली मार दी गई, इस तरह के हादसा बहुत सुनने हैं अक्सर न्यूज़ स्नैचिंग रहा कि मोबाइल ना देवन की वजह उन्होंने को ना मिल सका ना काम ही तो उन्होंने शूट कर दिता। अच्छा इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हैं अक्सर ही बच्चा भूल वेंदे मोबाइल कितना रखे कह उथे ही। और परसों ही जनाब एक मेरी कजन की बच्ची ना वाक थे यूनिवर्सिटी तो वापस आने पियान और सवारी के इंतजार खड़े थे और उन्होंने को पता नहीं चला उन्होंने मोबाइल केर वाले गायब थी उन्होंने दी पॉकेट साइड पॉकेट तो पता ही नहीं चला थे कितने भी स्नैचर वजन थे और कितने भी स्नैच करा और इतना महंगा मोबाइल और उन्होंने बाद उन्होंने वालदा का फोन आया कि पिया और न्यूज़ चलती पी कहता एक फैमिली में मतलब ये हाल है तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को तुरा क्या ख्याल है वो टाइम देना चाहिए थी मेरे ख्याल में जब तक स्टूडेंट लाइफ है ना तब तक तो फ़ोन देना नहीं चाहिए। मैं खुद ये समझता हूँ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ अर्सा काम कर चुका हूँ और वहाँ पर हम देखते क्या है कि बहुत सारे जो डिले टास्किंग बिहेवियर आ जाता है बच्चों में। कोई अगर एक टास्क दिया, मेरा भी बेटा है 4 साल का बेटा है, उसको बहुत शौक है जी यूट्यूब के ऊपर प्लेन्स देखने का, और उसको जब मैंने देखा ना कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट होता जा रहा है, ये फॉलो करता है हर वक्त, जब फ़ोन फ्री पड़ा हुआ होगा वो उठा लेगा वाह मैंने यूट्यूब देखनी, तो उसका एक टाइम फिक्स कर दिया है भी इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका टाइम है, इसके बाद आपको फ्री करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली वो सेट होता चला जाता है। तो सत पूरा फुल डे घर में नहीं बैठे होंगे क्या वालदा वाकई इधर तवज्जो देंदे पेंदे या छोड़े ने फ्री हैंडेड दा बिल्कुल इसी तरीके से है आयशा कि अगर कोई शख्स गिटार खरीदने के बाद गिटारिस्ट नहीं बन जाता ना इसी तरह एक जो एक कपल को बच्चा मिल जाए तो वो माँ बाप नहीं बनते। वो भी बिहेवियर सीखना पड़ता है वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि माँ बाप बनने के नॉर्म्स क्या हैं उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। वो मैंने सीखे बहुत सारे ट्रेनर्स उनसे सीखे ओवन फिट्ज़पैट्रिक मैनेजर बिल्कुल बड़े भी सिखाते वो तो सिखाते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ हर सोसाइटी के ना कुछ अलग उसकी डिमांड्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट जनरेशन की जिसकी हम बात करें ना वो हमसे कहीं ज्यादा फास्टर हैं वो हमसे कहीं ज्यादा तेजी से चीजों को पिक करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। और पहले हम जब बड़े हो रहे थे तो कहीं 15 साल के बाद हमारी सेल्फ एस्टीम बनना शुरू होती थी, उससे पहले अब्बा थप्पड़ भी मार देते तो कोई बात नहीं थी। अब एक 4 साल के बच्चे को आप डपट दे डांट दें वो फॉरन मुंह बना लेता है कि मुझे किसी के सामने क्यों डांट। अच्छा और इज्जत मेरी बेइज्जती हो गई जी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे मेरी बेइज्जती हो गई सबको तो पता ही कहना वे होंगे से कुट खाते से अम्मा को जुतियां खाते से और अम्मा ने कोई लिहाज नहीं करना है अब्बा साढ़े कुछ ना आते हैं लेकिन अम्मा जो लाद ना गुस्से आँदी है और सारी जी गलतियां होने हैं सब दिन मिक्स थी उन्होंने बाद यानी कि अगर एक टाइम एक भाई ने गलती की तो कुछ नहीं आखा अम्मा ने सुकून है ऐसा हैरान थे भाई अम्मा कुछ याद ही नहीं हुई अगले टाइम मेरी बारी आई मैं कुछ की शरारत कोई गाल की अम्मा ने कुछ ना आखा ना लोग शिकायत लावन अम्मा कुछ ना आती त्रीजी जन मेरी बहन दी आई उन्हें बाद पहले दीवारी रोज स्टेप बाय स्टेप चल दे थे मजीद गुफ्तगु करे सो नाज़रीन मेरे जी छोटी एक ब्रेक था कि तेरी नवेसो चले नाराज बैक नाजिन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल रंग और तक भी अपनी बचपन की मार याद आ गई उसी है ना याद है फवाद कड़ी गल तो कुट खाती है बहुत अच्छी तरह मुझे अम्मी मारती थी अब्बू ने नहीं मारा आज तक अब्बू कितने अच्छे होते हैं हाँ कुछ भी नहीं कहते हैं ना अब्बू ने नहीं मारा आज तक तो अम्मी का डर ही काफ़ी होता था तो मैं बड़ा मुअद्दब और जो है ना पढ़ने वाला बच्चा होता था और मेरे से कोशिश होती थी कि कोई गलती ना करूँ तो मैं यानी छोटी एज से ही ना बहुत ज्यादा यानी कि बड़ा बनने की कोशिश डिसेंट डिसेंट बच्चा शरारतें नहीं किया करते थे नहीं शरारती बिल्कुल भी नहीं था शाय शाय रहता था बहुत ज्यादा शर्मीला हाँ बच्चा हाँ जी है वाकई हाँ शर्मीला बच्चा और किधर पहुंच गए मैं तो हैरान होती हूं वाकई ये हकीकत है जेडे बच्चे शर्मीले होने वो कोई ना कोई एज अ अदना वखरा काम करने थे
मतलब पॉजिटिव है अगर एक्टिविटीज की गल करूं तो और स्टीफन हॉकिंग की एक लाइन थी कि द साइलेंट पीपल डू हैव लाउडेस्ट माइंड्स Exactly. जो लोग शाय होते हैं इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटीज भी होती हैं हाँ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी होती है लेकिन वक्त के साथ जब वो निकलते हैं निखरते हैं तो बहुत अच्छे और ताहिर तो मुझे लगता है बचपन से शरारती थे शदीद आंखें बोलती तुम्हारी कितने शरारती थे शदीद शरारती था बच्चा भी वैसे तुम्हारा बहुत पिटा हूं अब्बा से हां अच्छा लग रहा है तब ये तो और उन्हीं की पिटाई की वजह से मेरे कुछ दिन पहले अब्बा को कहा का बहुत जुल्म ढाए हैं आपने पे तो मुझे आगे से कहने लगे बेटा उस जुल्म की वजह से सही हो रास्ता भी तो इसी वजह से मिला हुआ तो क्या है कि हम बात कर रहे थे सेल्फ एस्टीम की तो पहले बच्चों में सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं एज होती थी 12, 13, 14 साल उसके बाद उनको ये फील होना शुरू होता था कि मुझे किसी के सामने डांटा जा रहा है मुझे कुछ कहा जा रहा है बात की जा रही है अब तो 3-4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा इस बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि मुझे किसी के सामने क्यों डांटा है इसके सामने मुझे ऐसे क्यों बोला है ठीक है और कपड़े कैसे पहनने खुद सेलेक्ट करते हैं कैसे जूते पहनने खुद सेलेक्ट करते हैं क्या खाना है खुद सेलेक्ट करते हैं किस रेस्टोरेंट जाना है वो खुद बता रहे होते हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए ठीक अच्छा यानी पहले ऐसा 12 साल 13 साल थे सबको एहसास थे कि ऐसा होने वे थे पे हैं हम सबको रिस्पेक्ट दी हम इज्जत की जरूरत है मैं आखसा लेकिन अजकल जरा बच्चा है ना वो अपने को छोटा बच्चा जो है ना क्रॉलिंग करता वो समझे वो छोटा है मैं अगर 2 साल का हाँ ना तो मैं वड़ा मेरा बेटा 5 साल का जनू लाबदीन मैं बड़ा हो जाऊँ मम्मा अभी बड़ा हो गया हूँ मैं आपका ख्याल रखूँगा आप फिक्र ना करें तो मैंने छोटी एज में समझ लग मैंने बाल के सब जल्दी बड़े थे गए हैं जबकि ऐसा बड़े लेट समझे आ सके बड़े थे लेकिन यही है ना हमारा क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई सोसाइटल नॉर्म्स चेंज हो गए हैं फिर टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है फिर अवेलेबल जो हमें है ना अवेलेबिलिटी ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वो बहुत आम है हर शख्स के पास है एक रेडी बान के पास भी 3-4-5 हज़ार रुपये का फ़ोन है और फिर क्या एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है तकरीबन कोई 1.5 साल पहले ना कराची में मैंने एक 1-to-1 सेशन स्टार्ट करवाए सही है करियर काउंसलिंग के हवाले से वहाँ पर हमने 10,000 रुपये फीस रखी थी फॉर हाफ एन आवर बहुत सारे लोग मुझे आके कहते थे जो बेचारे जिनके पास जॉब नहीं है 10,000 रुपए उनसे आप डिमांड करते हो मैं कहता हूँ वही जिनको आप कह रहे हो कि उनके पास जॉब नहीं है 10,000 रुपए नहीं दे सकते हैं उसने 25,000 रुपए का फोन रखा हुआ है वो कभी ब्रांड स्टोर पे जाके ये नहीं कहेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है आप मुझे फ्री में कपड़े दे दो वो कभी ये जाके नहीं कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है मुझे बार्बर शॉप पे जाके कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं पैसे हैं ना अयाशी तो अब्बा दे पैसे ना थी आपने पैसे ना लोग सीखने के लिए समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है एक बात है कि एक शख्स जो 25-30 हज़ार रुपए का फोन अफोर्ड कर सकता है वो शख्स एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो सीखने के लिए कुछ भी तैयार ही नहीं है आजकल हम जिस ये भी हमारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही हमें डेवलप कर रहा है इसके फायदे बेतहाशा फायदे हैं सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं लेकिन जरूरत से जब भी कोई चीज ज्यादा होती है वो जहर बनती है और वो जहर हमारे सोसाइटी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है अब रात में हम बैठते हैं शाम में बैठते हैं किसी भी जगह पर आप लोगों को देख लें तो फोन की लाइट ऑन होती है अगर पहले लाइट चली जाती थी मोमबत्ती ढूंढते थे अब लाइट चली जाती है घर पे छह टॉर्च मोबाइल के थे फलां रखे थे निकालो अपना मोबाइल वो टॉर्च जली भी होती बिल्कुल टॉर्च तो क्या है कि हर शख्स के पास मोबाइल है हर शख्स कहीं ना कहीं अपने घर से दूर होके कमरे में बैठे हुए भी हम कमरे में नहीं हैं इवन के अगर सर्दियां निकाल करो तो लोग ब्लैंकेट में घुसे हुए होने आन थे और मोबाइल चुप चुप के इस्तेमाल थे वो इसका भी एक फायदा ज़हन में आ रहा है एक लतीफा किसी ने कहा था जी वो एक माँ अपनी बेटी को बहुत अरसे तक समझती रही मेरी बेटी कितनी नेक है कि इसकी रजाई से नूर निकल रहा है थोड़े दिन के बाद पता चला था फोन ऑन होता है तो क्या है कि अब वो नूर निकल रहा होता है जगह जगह से नूर निकल रहा होता है तो ये बेसिकली क्या है कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा आती जा रही है उसी तरह हम डिप्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है ठीक जो कि ज्यादा इस्तेमाल डॉक्टर साहब तारे वाले आसा डॉक्टर अनीस साहब की बचपन में तो नहीं चले गए आपने या बच्चों को जाने के याद आने अपना बचपन नहीं नहीं मैं ये कह रहा सोच रहा था कि डेफिनेटली बैठे आवे मेरे को देखो लगदा पे आए कि ये स्टीवन हॉकिंस का जिक्र कर रहे थे और बाकी भी डेफिनेटली वो बड़े अच्छे बहुत ही अजीम साइंसदान था मेरे ख्याल है जो मौजूदा दौर का तो वो बहुत बड़ा ब्रेन था उसका ज़रूर उन्होंने सोशल मीडिया पे जिक्र किया टीवी पे भी आया लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसकी थ्योरी क्या थी ये जो चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आप जो मर्जी जितना मर्जी सोशल मीडिया पे आप पढ़ लें जो मर्जी कर लें अनटिल एंड अनलेस के आप जाकर इनकी किताबें नहीं पढ़ते आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ते आपको कुछ नहीं आप दो लफ्ज़ ज़रूर देख लेंगे आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ब्लैक होल की थ्योरी उसने पेश की
या टाइम क्रिएशन की थ्योरी पेश की, लेकिन वो कैसे थी कि फिज़िक्स के उसूल कैसे इस दुनिया में आए, जब तक कि आप उसको बैठ के तन्हाई में मोबाइल को परे रख कर दो घंटे स्टडी नहीं करते आपको कुछ पता नहीं चलेगा। किताबों का कोई रद्द कोई मुतबादल है ही नहीं सिरे से। ये तो बस एक खेल ही है जो हमने बनाया हुआ है और हम इसके फवायद गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली तो अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को महफूज बनाने के लिए बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे कहीं इन कॉन्टैक्ट रहें, कोई अगवा ना कर ले कहीं जा रहे हैं तो, लेकिन बच्चे उनको अपने यूज़ में लेके आ रहे हैं। बच्चे फिर आगे बड़े होते हैं, जैसे बड़े होते हैं वो आपके उस मोबाइल के असर से आपका एक खास हद तक जरूर असर होगा, जो आपका जो वो एज होगी ना जिसमें वो आपका आपके इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे, वो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके किरदार को अपना रहे हैं। अगर आप बज़ाहिर चोरी कर रहे हैं, बज़ाहिर करप्शन कर रहे हैं और मुंह से उनको सबक दे रहे हैं तो वो सीखेंगे वही जो आप कर रहे हैं। एक ये आपका उनका जो है ना वो डायरेक्टली मैसेज है, लेकिन फिर वो इनडायरेक्टली जो है ना एक जो मोबाइल का सोशल मीडिया का या कम्युनिकेशन का दौर है और ये गलबा है उसकी वजह से वो बहुत जल्दी आपके असर से निकल जाएंगे और फिर वो इस दुनिया में जो आगे जा चुकी है वो उसी में जाएंगे। आप उनको रोक नहीं सकते किसी भी सूरत। बिल्कुल बिल्कुल रोक नहीं सकते, लेकिन फवाद तो कभी तो नहीं रोक सकते ना। तो सब गाना सुन रहे सब। अच्छा जी ठीक है जी सुनवा। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले याद तो आया होगा, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कही बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था, वही है सूरतें अपनी वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं मगर तुम भी कहीं गुम हो, मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे सो काफिर हैं, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं, तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे,
मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इतना मोहब्बत भी जरूरी है, बिछड़ना भी जरूरी है। मोबाइल नाल मोहब्बत जरूरी है पर बिछड़ना भी तो जरूरी है कि नहीं? ये कनेक्टिंग एवरीथिंग टू मोबाइल। अच्छा मैं तो पहली तो इट वॉज रिट्रीव फॉर माई लिसनिंग। कमाल की, बहुत ही अच्छी आपकी माशाल्लाह काबिलियत है। और क्योंकि मेरा थोड़ा ताल्लुक रहता है इस टाइप के लोगों के साथ, तो मैं सोच रहा था कि मुल्तान के अंदर हमारे पास इतना बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। बस और शो में दावत तो सभी देवड़ी में पता है। बिल्कुल बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। और एक्चुअली बात क्या है कि इस एज के अंदर कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को पहचान लेना, खोज लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जरूर इन्होंने अपने मोबाइल से थोड़ा वक्त निकाला होगा जिसकी बदौलत जबरदस्त और इन्हें नाल ही नाजिन चल दे पैसा छोटे ब्रेक थे कि थे ना वैसे सर नाराज خوش آمدید اکثر کو سویل دے رنگ وچ اور بریک وچ میں کو رسین دے پیا ہن فواد کے شاعر وی ہیں کسی محبت میں تو بنے بن گئے نا پچھڑا تو نہیں نا ہے نہیں 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 بس میں شروع سے بک ریڈنگ تھی تو اس وجہ سے اچھا تے مطلب کوشش بھی کیتی ہے کوئی اپنا سانگ جن شعر و شاعری دے نال مطلب سانگز تو بہت سارے 150 to 200 کمپوزیشنز میری اپنی ہیں ہاں میں نے بہت ورک آؤٹ کیا یعنی کہ میں 24 میں سے 16 گھنٹے بھی دیے ہیں میں نے اکثر یہ زیادتی نہیں ہو گئی ڈاکٹر صاحب یہ زیادتی نہیں ہو گئی وہ جب ایک بیٹھتے تھے نا ایک سیشن میں فنکار ہیں انہوں نے زندگی کا بڑا وقت جو نا وقت بس وہ ایک ڈیڑھ سال یہ جو بیچ میں گیپ آیا کیونکہ میرا بچپن کا زیادہ وقت سنگنگ میں گزارا بھی تو یوتھ تو اب ہے جوانی تو اب آئی ان میں اچھا تو 16 گھنٹے پریکٹس ریاض چلتا رہے گی ہاں لگا رہتا تھا میں جب ڈگری میری چل رہی تھی تو ہمارا یوں ہوتا تھا کہ جو ہے نا آخری 2 میں پڑھنا ہے سیمسٹر سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ لاسٹ نائٹ ہی جو ہے نا کانسیپٹس گریب کر لینے خود جا کے لکھ لینا انہیں تو اس طرح ہوتا تھا تو ویلے ہوتے تھے ہم لوگ بالکل تو ہم نے جو ہے نا بس میرا تو ایسے لگا رہتا تھا میں اور چیزیں بناتا رہتا بلکہ 3-4 OSTs میرے ایک OST راحت بھائی نے بھی گایا راحت فتح علی خان صاحب نے جی OST مان تھا جو لکھا ہوا تھا میرا اچھا تو میرا مان ہے جہاں میرا ہم ٹی وی پہ آن ایئر ہوا تھا وہ میرا لکھا ہوا تھا تو وہ بھی انہوں نے گایا اور ابھی بھی 1-2 میرے پروجیکٹس جو ہے نا میرے لکھے ہوئے گانے وہ پرائیویٹ چینلز پہ چلیں گے اب چل رہے ہیں اور چلیں گے 1-2 ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی کوشش بس کوشش کرتے ہیں میں خالے تو کو ایکو پروفیشن بنا ہی کرنا چاہتے ہیں سوچا کی ضرورت کیا ہے نہیں ابا جی نہیں مانتے ابا جی نہیں مانتے ان کیا ریزن ہے بچپن تو شوق ہے اور سب مل کے ریکویسٹ کروں ابا کو ہاں جی کیا پتا مان جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میری شام بتا جائے یعنی انہوں نے مارا نہیں آج تک غصہ بھی نہیں کیا ان کی ایک نگاہ ہی کافی ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اشارہ کافی ہے ہاں مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اب کس موڈ میں ہے اور یہ کیا کہنا ہے سارے کم اما تے ہونے تھے اما زیادہ اکھ دے اشارہ کرتے ہیں ابا بھی امی تو الٹا سپورٹ کرتی ہیں اچھا تو جب ابو نہیں ہوتے تو گھر میرا جو ہے نا وہ موسیقی سے گونج رہا ہوتا ہے صحیح تو بس اور جب ابا میں ہاتھ سے لکا دے دے کہ میں ہاں جی بالکل میں نے آج تک اپنے گھر میں کوئی میوزک انسٹرومنٹ نہیں رکھا ہارمونیم میں پلے کر لیتا ہوں لیکن آج تک نہیں رکھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ابا جی کو پتہ لگ گیا تو پہلے میری ٹانگیں ٹوٹیں گی بعد میں انسٹرومنٹ ٹوٹے گا اچھا اے شروع دا ہے ابا کیا ابا چاہندے کہ ابا دی وش کے ہے کیا بیسیکلی میں سید فیملی سے بلانگ کرتا ہوں تو اور میں جو ہے نا ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ابا جی کو بڑے رسپیکٹ سے ملتے جھک کے ملنا تو وہ کہتے ہیں یار تو سنگر نہ ہوئے تھے اور وہ تھوڑا ان کا ہے روایات ہیں جی بالکل ایسی بڑا مشکل ہے روایات اے سوچ پکڑنے تو سام یہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا اس چیز کو وہ تو میرا آدھے گھنٹے کا تقریبا ہاں ہمارا سیشن ہوا ہے ہمارا سیشن یہ ہو چکا ہے ابا کی ضرورت ہے ابا نال سیشن کی ضرورت ہے وہ ان کی پرسنل ہی جو ان کے سامنے بات ہوگی نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کیسے بات کرتے ہیں ان سے میں انہیں ایک ایسی مثال دے رہا تھا میں نے کہا میں 1500 روپے کا 2000 کا 5000 کا ایک فون خریدتا ہوں نا
तो मैं उसमें अपनी डिमांड की चीजें ही सिर्फ इंस्टॉल करूंगा जो मुझे जरूरत है। मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि उसमें कोई ऐसी चीज आए जो मेरे मोहल्ले वाले चाहते हैं, मेरी फैमिली वाले चाहते हैं, मैं उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा नहीं रखूंगा ना। मैं जो जरूरत है मेरी, मैं सिर्फ मेरी औलाद हो, मेरा बेटा हो, क्या मैं चाहूंगा उसमें कुछ भी ऐसे ही कोई फीचर्स हो या उसके अंदर कुछ भी ऐसी कोई क्वालिटीज हो या लैक्सिटीज हो जो मोहल्ले वाले चाहते हैं या कुछ सोचते हैं। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी औलाद से मैं वो उम्मीद रखता हूँ जो मेरी उम्मीद है और मैं वही चाहता हूँ कि वो करें। इतना बच्चों की भी विश होती है, उम्मीद होती है, ये भी सोचना जरूरी है। क्या है कि यही मैंने आपको पहले कहा था कि गिटार खरीदने के बाद कोई गिटारिस्ट नहीं बन जाता। बिल्कुल। तो एक बच्चा पैदा करने के बाद माँ बाप नहीं होते। मैं एक बहुत ही बड़ा सेशन हमारा हुआ था डॉक्टर्स के साथ, तो वैल्यू योरसेल्फ के नाम से ना, वहाँ पे फैमिली के लोग आए हुए थे, तो वहाँ पर हमने वही कम्युनिकेशन पैटर्न्स हमारे एलिसिट किए थे कि कम्युनिकेशन पैटर्न्स हम कैसे बच्चों को हम कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, बात उनसे कैसे करते हैं और उनके इंटरनल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं या कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ अपनी बातों के जरिए। तो वहां पर हमने बात करते हुए ये भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी ऐसी सलाहियतें होती हैं सिर्फ हमारे कहने की वजह से खत्म हो जाती हैं और वो अपनी सलाहियतों को तबाह करने के बाद पूरी जिंदगी ये सोचते रहते काश मैं ऐसे कर लेता तो क्या होता। हमारे कल्चरल जो बिहेवियर्स हैं वो क्या है बेसिकली। एक मैं बात कुछ दिन पहले सुन रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं बचपन में था तो हमने आमतौर पर हमारे कल्चर का जो सोसाइटी, मैं बता रहा हूँ एक मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मेरी वालदा है, मेरी वालदा को टीज करने वाली कहीं ना कहीं मेरी दादी भी टीज कर सकती है, मेरी फुप्पो टीज कर सकती है, कोई भी और तीसरा टीज कर सकता है उसको, आप तो ऐसे नहीं करते हो। और मेरे वाले साहब एक्सपेक्ट करते हो कि जी मेरी जो वालदा खाना बनाती थी ना मेरी बीवी नहीं बना सकती भाई। और फिर जब मैं एक बच्चा हूं मैं सोचता रहूंगा हमेशा कि मेरी वालदा के साथ ऐसा होता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इनके लिए कुछ करूंगा। ठीक है, उस वक्त जब मैं बड़ा होता तो मैं अपनी वालदा के लिए करता हूँ, मैं उसी तरीके से आगे बीवी के लिए उसी बिहेवियर सेम होगा क्योंकि वालदा जड़ी है मजलूम लगी है ओ टाइम और जब मेरा वैसे ही बिहेवियर बनता है। बिल्कुल। तो ये क्या है बेसिकली कि हमने जब जब इस तरह के कल्चर को किया, हमने एक बात आमतौर पर सुनी कि जी वालदा की इज्जत करना चाहिए। कभी हम अपने घरों में बैठे हुए होते हैं वहां पर कहीं कहीं ये नहीं सुनते हैं कि बीवी की इज्जत करना चाहिए। सही। हम हमेशा एक ही बात सुनते हैं, इंस्ट्रक्शंस है ना बेसिकली कि वालदा की इज्जत करना चाहिए, वालदा की इज्जत करना चाहिए, वालदा के वालदैन की इज्जत करना चाहिए, यही हम सुनते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि बेटर हाफ जो है वाइफ है उसकी भी इज्जत रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो उस तरीके, अब इनके जो फवाद की बात थी ना कि वाले साहब नहीं मानते, वाले साहब चाहते हैं कि मेरे बेटे में वो सारी क्वालिटीज हो जो मैं चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हम जब प्रायोरिटाइज कर लेते हैं अपने वालदैन के ख्वाब को तो अपने ख्वाब को पीछे हमें करना पड़ता है, सेकेंडरी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको खुद से छोड़ दें तो छोड़ दें। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, आई एम नॉट प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। मैं जो भी बनता हूँ मेरे डिसीजंस की बुनियाद पे बनता हूँ। अब फवाद जो डिसीजन ले कन्वे करते रहना जी, रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कैमरे में हम बात कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे नॉर्म्स हैं ना जी, वो हमारी पूरी एक जो मुल्क है उस सोसाइटी में उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, फिर हमारे जो अलहदा तबकात हैं जैसे अमीर तबका है उसकी जो नॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो मिडिल क्लास है उसकी नॉर्म्स मुख्तलिफ हैं और जो लोअर क्लास है उसकी इंटायरली मुख्तलिफ है, बल्कि वो बेचारों की कोई नॉर्म्स ही नहीं है। ठीक ठीक है, बिल्कुल इन नॉर्म्स से वनल गाल भी करेसो, लेकिन फवाद को जो कुछ आप कह चुके हो अगर देख लिया तो हम नहीं देख सकेंगे आपको दोबारा। अपने रूठे पर आए रूठे
रूठे तो जहाँ भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो जहाँ भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, जो टूटे जोश।
रेंज, हाँ सोच रहा था कि कहाँ खरज और कहाँ पे ये अपर नॉट्स ऑफ कमांड। हाँ जी, बड़ा थोड़ा टफ सॉन्ग था ये, लेकिन बहुत अच्छा आपने, जबरदस्त जबरदस्त, और वाकई एक टफ सॉन्ग है और मियादिया हिम्मत है फवाद दी जो कि मियादिया कह रहे कि कितने एक बात पे बार बार सोच रहा था। इन्होंने एक बात बोली थी कि राहत साहब को मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, लाइक मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि ये उनको काफी फॉलो करते हैं जो जगह उन्होंने कही है जिस तरीके से। ये शफकत साहब का है वैसे, शफकत, लेकिन वो टोनैलिटी की बात मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल जो टोनैलिटी आपकी थी वो कमाल, बिल्कुल जबरदस्त, वो ही कमाल, और बेस्ट ऑफ विशेस तुम्हारे वास्ते, और इंशाल्लाह मन वैसे यकीनन ऐसा भी रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह, और मेरा ख्याल है तो इस चीज को आगे घेर के चलना चाहिए, टैलेंटेड लोग हो तो सा बहुत बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेर के आए। नाजिम चलते पे हैं सर छोटे ब्रेक ते, ब्रेक के बाद वापस आसो एक बे गेस्ट हो सर सारे ना वेलकम बैक नाजिन, खुश आमदीद डॉक्टर ताकू सवेल दे रंगेच, और इन टाइम सना साइकोलॉजिस्ट आ चुके थे नूर सबा सा, गुड मॉर्निंग अक्सु जी आए को अक्सु। नूर, नाम तो तुम्हारा आदन यूनिक है और प्यारा है ना, सुबह द टाइम और नूर सुबह सबा, बिल्कुल उ थी गया। अच्छा असा गाल कीती से नूर आज करन दे पैसे मोबाइल फोन दे हवाले नाल, और बहुत सारे गाल थी भी चुके थे नफसियात ते, मैं अक्सर ये सोचूँ कि इंसान की नफसियात ते मोबाइल दे ज़्यादा इस्तेमाल करने नाल क्या बैड अफेक्ट थी सकते थे कुछ ये सोचो। जो हमारे यूजेस हैं इस वक्त मोबाइल फ़ोन के वो बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, इवन के हर पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन दस्तियाब है घर में, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो या फैमिली मेम्बर जो भी हैं, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इसको ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, हाँ, गेम्स खेल लेते हैं। कोई काम है ना, कोई किचन में अम्मा बिजी थी गई है या अब्बा जड़ा है अखबार पढ़ घिंदे, कोई भी मतलब मसरूफियत होती है या न्यूज, मैं आज इवनिंग में तो बेस्ट कोई काम ही नहीं होता, अब्बा जेल हो न्यूज पर सोते नजर आ रहे थे, लेकिन बच्चों को स्पेयर टाइम, अब बच्चे जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, हाँ बिल्कुल, इन चीजों से, तो उनमें जो है फिर वो एज डिफरेंस आ जाता है, वो बहुत पहले अपनी एज से जो चीज़ें होते हैं वो परसीव कर लेते हैं जो उन्हें टाइम के हिसाब से सीखनी चाहिए, बिल्कुल, इन चीज़ों से वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वालदैन के साथ और बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीज़ें बहुत से मसाइल पैदा कर देती हैं, बिल्कुल सही। और अच्छा डॉक्टर अनीस सही, बिल्कुल सही कहा करने पे थे, वाकई हकीकत है कि पहले ये चीज़ कॉमन कहना है, ठीक है, साको एक उम्र विच आखा वेंदा है कि हों तो सर नेट ओनली नेट है ना, इंटरनेट दौर है, कंप्यूटर दौर है, हों तो खत्म थी के ना हों तो सब चीज़ा हाथे च आ गए ना, उन्हें हाथे चा ना होना है, कमरा होंगे एक जगह एक मेज जी बनाई वेंदी है और सर्च कर सकते हो तुसा, ठीक है ना, हूँ 24 घंटे तुसा जो कुछ सर्च करने जो कुछ कर सकते हो मतलब कर रहे हो, और जो छोटे बच्चे की गल थी पी है उनको पता नहीं कि ऐसे जो वीडियो खोली बैठे हैं क्या खोली बैठे कार्टून तो देते बैठे नाला ले वीडियो कितने भी क्लिक कर रहे हैं, अब अगर उसमें वालदैन हाँ। मदाखलत करते हैं तो वो फिर बच्चे बुरा मान जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, फिर बच्चे जो हैं वो माँ बाप की बात नहीं मानते, वो कहते हैं जी हम खुद बहुत बड़ी चीज़ है, हम खुद सब कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, वैसे चीज़ बड़ी तो भाड़ चुके हैं बच्चे तो वो फिर बात नहीं मानते माँ बाप की, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, बिल्कुल डिप्रेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, बिल्कुल बिल्कुल सही गाल की थी। अच्छा मज़े की गाल ये है जो तेजी की गाल करते पे बहुत सारे गेस्ट आने थे दादा नाना जो है वो बड़े बैठे और आते पे उन्होंने कि साकू तो ऐप्स का पता ही क्या है, है बच्चे बड़े छोटे छोटे उंगलियों साकू खोल के दसने पे दादा ये है तो माशाल्लाह। वो तो मेरी भतीजी हैं, वो कुछ दिन पहले बैठी हुई थी अपने बाबा का फ़ोन लेके अपने मेरे भाई का, तो वो निकाल के चाचू ये देखो ये हमने फोटो ली थी फलां जगह पर फलां टाइम में, और वो कोई सिंक्रोनाइज हो जाता है किसी ऐप से ना, क्या आप लोकेशन नोट हो जाती है, लोकेशन के साथ टाइम नोट हो जाता है कितने बजे ली गई थी और कौन कौन उसमें है, इवन वो फेसबुक से अगर सिंक्रोनाइज कर देंगे तो वो नेम आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो कोई 2 साल पहले की फोटोज निकाल के बैठ गई और बता रही थी ये फलां फलां जगह पर हमने फोटो ली थी और सारी चीजें इनको पता है, मुझे आज तक आइडिया नहीं था कैसे, और मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने परचेज़ करने गया तो मुझे वो साहब कहते दुकान वाले कौन सा फ़ोन चाहिए,
मैं कहा चल सके भाई, जरूरत की चीजें पूरी कर सके। मुझे आज तक सही बता रहा हूँ, मुझे फोन यूज करना नहीं आता है। इसमें किस तरीके से मुझे अपने अकाउंट सेट करना होंगे, बहुत सारी चीजें अब सीखी हैं जाके कि अकाउंट्स किस तरीके से मुझे अपने सेट करने, कौन सा अकाउंट किस चीज के लिए जरूरी होता है। ईमेल अकाउंट था एक, और दूसरी बात जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह जो जरूरी चीजें हैं जो मुझे मेरे काम के लिए चाहिए होती हैं, इसके अलावा मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है। स्नैपचैट का आज तक मुझे नहीं पता इसका अकाउंट कैसे बनता है, और ना ही मेरा है। बिल्कुल। और इसी तरीके से बस क्या है कि नई जो जनरेशन है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा फास्टर हैं, क्योंकि जिस तरह के माहौल में बैठते हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, उनके पास टीवी देखने का टाइम ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इतना पेरेंट्स खुश थे ना, है ना, सब खुश थे ना, पेन बच्चे सारी नई चीज़ें सीखते हैं, पेन सारे को ज़्यादा जहीन है, असल तो आप एज जाती है ना, वो टाइम से पहले बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है। सवाल ज़्यादा थी मैंने बच्चे आते हैं, इनके अलावा सवाल, अच्छा सवाल तो हम रुझान है क्या ना, अगर तो बाल हर छोटी गाल पूछते हैं मम्मा ये क्या है, जब बहन निकलते हैं बाबा ये क्या है, होम मैरिड है, इतना जैसे सवाल है नहीं क्या है, वो बता रहे होते हैं। मेरे कुछ दिन पहले बोला अपने बेटे को, बेटा ये प्लेन है, कहता बाबा प्लेन नहीं जेट है, ये जेट होता है, प्लेन बड़ा होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। अभी वो मेरे साथ कुछ दिन पहले रेडियो गया हुआ था, तो मुझे डायरेक्ट कर रहा था, अब आप इस साइड से मेरी फोटो बना लें, अब मैं ऐसे बैठता हूँ माइक पे हाथ रखे ना, अब आप ऐसे फोटो बना लें, जबरदस्त इस तरीके से। तो अब क्या है कि यही है बेसिकली, हम जो शुरू से बात करें फोन का एक्सेसिव यूज, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, एक लिमिट जरूरी है, उसी लिमिट पर आज ठीक। यानी आखिर मतलब यही जो मेरे नाजिन देते बैठे, जो मेरी भेड़ी देते बैठे, क्योंकि घर ज़्यादातर इन टाइम ऐसा हो, टाइम है, वक्त ऐसा है, क्योंकि यार वजह नाले हैं करीब, हस्बैंड बन चुके उन्हें, कम आकार आते बच्चे बन चुके उन्हें थे, और मंडे का दी हो तो यकीन भेड़ी बैठे उन्हें थे। सहेलियों को आखिर मतलब ये है कि ठीक है इस्तेमाल करो, नई टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया तेरे हाथ से सिमट के आ गई है, भावे तेरे बच्चे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लेकिन थोड़ा आदर ना कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी है हर चीज का। डॉक्टर अनीस के आपसे तभी एडवाइस जी, बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, अभी तक कोई हटके एडवाइस हो सी ना, मैं तो जनरल से भी बैठी हूं। एक्चुअली जो ये बात कर रही थी ना नूर सबा, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि तगैयर और तब्दीली वो हमारी ज़िंदगी की अलामत है, बगैर तब्दीली के तो ज़िंदगी जो है ना वो ज़िंदगी है ही नहीं, लेकिन इतनी तेज़ी से ज़िंदगी तब्दील हो रही है कि बाई द टाइम 20-30 साल जब गुजरते हैं और आप नई जनरेशन को देखते हैं, तो वो दुनिया इतनी तब्दील हो चुकी होती है कि तकरीबन आप 30 ईयर्स के बाद बच्चों को जो कुछ करते हुए देखते हैं, आप शॉक की हालत में हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्यूचर शॉक, और वो उसके आपके बस में नहीं है कि आप उसे रोक सकें। और दूसरी बात ये कि हमारी जो ये सोसाइटी है, पसमानदा सोसाइटी है, बल्कि सोसाइटी तो है ही नहीं तकरीबन, अजीब ही चीज़ें यहाँ पर हैं, कहीं कोई चीज़ चल रही है, कहीं कोई चीज़ चल रही है, उसमें जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका यूज़ कम होता है और उसका मिस यूज़ ज़्यादा होता है। तो उसमें डेफिनेटली अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो आपके ज़ेर असर रहें, ये भी एक है रिलीजन है कि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह ही रहें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने आप को मेंटली कि आप टीज ना हो, तो कम से कम कंट्रोल ज़रूर करें और उन पर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ फिर ये होगा कि आपको नतीज भुगतने होंगे। अच्छा इधर एहसास बड़े देर नाल थींदे हकीकत वने सो, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे नाल जिक्र भी किया, आयशा असर बचपन में तो बड़ी खुशी नाल बच्चों को देते बैठे ने होने कि भाई देखो टॉय क्या नहीं तुम्हारे को, क्योंकि बच्चे को टॉय में इंटरेस्ट ही क्या है ना, जितना अच्छा खिलौना घिन के सो बच्चे को जो इंटरेस्ट है ये टॉय है, उनके वास्ते मोबाइल फोन है, तुम्हारा सेल फोन है ना, ठीक है ना। अच्छा उम्र तो ये चीज़ नॉर्मल लगती पी होंगी है, बच्चा इंटरटेन थींदा पे मसरूफ है, लेकिन जब बच्चा मेच्योरिटी में आंदा पे टीन एजर आंदा पे बनते थे, उन्हें रबते बहुत सारे लोगों नाल थीवन लग पे, दोस्त बना गिंदे मसरूफियत, और अगर ऊँ टाइम तुम अगर बच्चों को स्नैच कर गिंदे हो, खस गिंदे, तो वल जरा अदना देखने का माहौल होंगे, बच्चा बाद टाइम घर छोड़ देंगे, ऐसी सिचुएशन थी। मेरी फ्रेंड ने बड़े मेरे को कॉल की थी बाकायदा, उन्होंने मेरे को दसा कि आयशा एक कैफियत है, वह मैं समझाया कि होला हाथ रखो आपे बाल सुधर वैसे थे, लेकिन देखो अगर सब पहले ही कुछ कर घिन हुआ तो ये नौबत ना आ सी, क्यों डॉक्टर साहब क्या मैसेज दे सो प्रोग्राम एंड जी बिल्कुल जी, मेरा यही मैसेज है कि कम अज़ कम इस सोसाइटी में कि जहाँ पर जराइम बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ पर अब साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जहाँ पर बच्चों के बड़े मसाइल हैं, ऑलरेडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है हमारी और तरक्की पज़ीर है, अभी तक तरक्की याफ्ता तो है ही नहीं, तो वो लोगों को बचाने के लिए, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल महदूद करें,
اور نظر رکھیں کہ بچے کیا استعمال کرتے ہیں اور فرینڈلی ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے جو چیز استعمال کرنی ہے اور جو چیز استعمال نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دوستانہ رویہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, منع کرو جتنی سختی کرے سو, میں نہیں سمجھتی کہ وہ بچہ تاری گال سن سی یا منع سی, کیونکہ سختی تو کریں نہیں نا, سارے پیرنٹس ہیں جنہیں بچپن تو ہی سختی کریں, ان کے بعد واقعی ایسا لوگ سدھر گیا سے. بالکل جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا یوز ضروری ہے آج کے دور میں وقت کے ساتھ چلنے کے لیے, ٹو کیپ پیس وتھ ٹائم ہمیں ضروری ہے, یہ ہمارے لیے, لیکن ضرورت کے تحت ہی ضروری ہے. غیر ضروری کوئی بھی چیز ہوگی وہ ضرورت سے باہر نکلے گی, وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی. اور دوسرا کیا ہے کہ ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہے اس کو ہیلدیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے, اور فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہمارا نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوگی اور نیکسٹ جنریشن پاکستان کے لیے کچھ اور بہتر کر سکے گی. واہ جی, کیا آخر جی نور صاحب, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے جتنے نقصانات ہیں فوائد بھی ہیں, تو آزادی دینی چاہیے بچوں کو لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے والدین کو. زبردست, بہت بہت شکریہ جناب, سے تشریف گھیرنا ہے نور صبح تعالیٰ, بہت بہت شکریہ سر تشریف گھیرا, تھوڑے ٹائم واسطے خیر ہے, دوبارہ انشاءاللہ بے پروگرام میں تک مدعو کرے سو, بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر انیس ہن تعالیٰ بھی بہت بہت شکریہ, تو سر ٹائم کٹھا اور اچھا لگا اور بہت کچھ جان کو ملا, پتہ چلا کہ صرف سوشل ہی پرابلمس نہیں تھیں بلکہ ایسا ہیلتھ والے بھی بہت سارے پرابلمس تھا فیس تک کرنے پڑے اگر زیادہ تو زیادہ موبائل فون کا استعمال کر دے. بہت بہت شکریہ جناب سے تشریف گھین کے سن الحن ایچ ایم طاہر صاحب, طاہر صاحب میں آدھی بیٹھی ہوں لیکن ہمیں ضروری سمجھے کہ ہوں اینڈ ہے, اور اگر میں پورا نہ نہ کیتا ان کے پیچھے پوری جڑی ہسٹری ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم میں پورا جاننا چاہتا ہوں. تھینک یو جناب سر تشریف گھینا, بہت اچھا لگا, سٹنگ بہت اچھی رہی ساری. اور ان نال ہی ناظرین عائشہ کو دے سو اجازت, کل دوبارہ تو ملاقات دیسی نویں موضوع کے نال, بہت سارے نویں گیسٹ ہو سن, تب تک اللہ سونے دے حوالے.